हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज बात करेंगे कार्बन कंपाउंड्स फ्रॉम एसएससी क्लास जिसका देखेंगे मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स का वन शॉट वीडियो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी वन शॉट पढ़ा दो कार्बन कंपाउंड्स तो आज वो घड़ी आ चुकी है इसका कर देंगे समाधान एंड कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव है वीडियो में आप क्या क्या सीखोगे आई टॉपिक्स का मैंने आपको पीडीएफ तो ऑलरेडी दे रखा है इसके मैंने नोट्स भी आपको दिए हुए हैं एक बार फटक से बता देता हूँ वॉट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेक्चर जिसका टाइम स्टैम्स भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट सम बेसिक्स कोवैलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है वहां से हम जाएंगे टू वर्ड्स उनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है उनको बनाते कैसे बेसिकली देन वी विल गो टू फंक्शनल ग्रुप्स वहां से जाएंगे होमोलोग सीरीज वहां से आई यूपीएससी एंड वहां से रिएक्शंस जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो सारे अपन करेंगे तो दिस इज वॉट आई हैव प्लान टू डू इन लीस्ट पॉसिबल अमाउंट वीडियो जितना छोटा हो सके उतना करने की मैं कोशिश करूंगा सो दैट आप देख सको उसको अच्छे से एंड वन पॉइंट फाइव एक्स पे तो आप देखते ही हो कुछ लोग टू एक्स पे भी देखते हैं उनको क्या समझ में आता है तो बात करते हैं स्क्रिप्ट नहीं बना रहा हूँ जस्ट गो ने पढ़ाता हूँ वैसा पढ़ाते जाएंगे जन्म कुंडली देखते हैं कार्बन की इसका सिंबल रहेगा सी अपने को सबको पता है एटमिक नंबर जी इज सिक्स Z इसका सिंबल होता है एटॉमिक नंबर का हम कैसे याद रखते हैं n ऐसा होगा Z मतलब आड़वा n सो एटॉमिक नंबर इज Z ठीक है सिक्स रहेगा तो इसके न्यूक्लियस में देर प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर छह प्रोटॉन मुझे दिख रहे हैं एंड छह न्यूट्रॉन भी हैं तो मुझे बताओ एटॉमिक मास नंबर ए विल बी सिक्स प्लस सिक्स प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन विच विल बी ट्वेल्व अब मुझे बताओ इसका जो पहला शेल है उसमें दो इलेक्ट्रॉन है देखो एटमिक नंबर सिक्स है मतलब छह इलेक्ट्रॉन होंगे करेक्ट है पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो दूसरे शेल में कितने रहेंगे चार इलेक्ट्रॉन सो इट हैज फोर वैलेंस है ना आउटर मोस्ट शेल में चार है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हो जाता है टू कॉमा फोर अब मुझे बताओ अगर इसको ऑक्टेट स्टेट में जाना है इसको अगर स्टेबल बनना है तो इसको चार और इलेक्ट्रॉन चाहिए लेकिन हमारा कार्बन इलेक्ट्रॉन ना तो लूज करेगा ना तो वो गेन करेगा हमारा कार्बन क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है फोर हो जाती है इट विल शेयर फोर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म फोर कोवैलेंट बॉन्ड्स ठीक है भाई कार्बन की वैलेंसी कितनी है four है एंड वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कोवैलेंट बॉन्डिंग दिखाता है लेकिन कोवैलेंट बॉन्डिंग एक्जैक्टली exactly होती क्या है बहुत सारे बच्चों को उसमें भी डाउट है सो so फटाक से एक बार बेसिक्स देख लेते हैं वॉट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड अब मैंने यहां पर दो हाइड्रोजन के एटम लिए हैं उनके पास एक शेल होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है करेक्ट एटमिक नंबर क्या है

स इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स दो एटम्स के बीच में दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो प्यार होता है उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड उनके बीच में बॉन्ड बन जाता है ठीक है अब इस चीज का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा दिखता है चलो एक हाइड्रोजन ये उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पे मैं दिखा रहा हूं दूसरा हाइड्रोजन उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत सिंपल अच्छा सो दिस इज वन पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं जिसको हम बोलते हैं वन पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज वन कोवैलेंट बॉन्ड वन पेयर वन बॉन्ड याद रखेंगे वन पेयर वन बॉन्ड बहुत सिंपल अच्छा अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा दिखेगा दोनों हाइड्रोजन मैंने लिखे हैं उनके बीच में बना देंगे एक डैश एक लाइन खींच देंगे दैट डैश इज योर कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बहुत आसान यहां तक क्या समझा दो एटम्स के बीच में जब दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड यहां पे वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेयर इट इज वन कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या दिखाएंगे डैश दिखाएंगे खत्म हो गई बात आइए समझते हैं ऑक्सीजन के अंदर क्या हो रहा है ऑक्सीजन का आइटम एक नंबर जी इज़ तो उसके पास एट प्रोटॉन है और एट इलेक्ट्रॉन्स होते, तो होते हैं पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन में तो एक है आउटर मोस्ट शेल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है एक दो तीन चार पांच छ इलेक्ट्रॉन है अब मुझे बताओ एक बात आपको यहां पे बताता हूं ध्यान से सुनना ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना इनको हम बोलते हैं लोन पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये भी क्या है दिस इज आल्सो लोन पैर उन दोनों इलेक्ट्रॉन की जोड़ी बनी हुई है एंड वो लोग बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेंगे कहां पार्ट नहीं लेंगे बॉन्डिंग में वो लोग पार्ट नहीं लेते ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्ट लेने वाले हैं ठीक है तो एक बात याद रखेंगे ऑक्सीजन के पास दो लोन पैर होती है जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेती उसका बॉन्डिंग में कोई लेना देना नहीं है ठीक है भाई इसको इरेज कर देता हूं यहां से ये यह हो गया अपना दूसरा ऑक्सीजन एटम इसके पास भी एक दो तीन चार पांच छह इलेक्ट्रॉन है दो लोन पेयर है और दो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन है तो दोनों एटम जब नजदीक आएंगे इस तरह से तो यहां पे एक पैर शेयर हो रही है एंड यहां पे दूसरी पैर शेयर हो रही है सो दोनों ऑक्सीजन आइटम के बीच में कितनी पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रही हैं? टू पेर टोटल तो कितने इलेक्ट्रॉन है फोर इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। तो सात आठ इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया वो स्टेबल हो गया कम ऑन बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका क्या कंप्लीट हो गया ऑक्टेट कंप्लीट हो गया एंड वो हो गया स्टेबल संतुष्ट हो गया सेटिस्फाई हो गया उसी तरह से राइट वाला ऑक्सीजन आइटम अगर आप देखते हो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट वो भी टेबल संतुष्ट ठीक है तो मुझे बताओ हाउ मेनी पेयर इलेक्ट्रॉन शेड टू पेयर खुजली आ रही है मेरे को यहां मिनट टू ऑफ आर तो इसको हम बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डबल कोवेलेंट बॉन्ड बहुत आसान है अच्छा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा ऑक्सीजन आइटम बना रखो बनाओ उसका लोन पैर दिखाओ लोन पैर नंबर वन लोन पैर नंबर टू एंड ये दोनों रहेंगे उसके बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन क्या बात समझ में आ रही है लोन दिखाना बहुत जरूरी है अनिवार्य है दिखाओ फिर दूसरा ऑक्सीजन लोन लोन नंबर नंबर एंड दो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन तो यहां पर बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं चार इलेक्ट्रॉन टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर ठीक है दिस बिकम्स अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाओगे दोनों ऑक्सीजन आइटम लिखो दोनों के लोन पैर दिखाओ एंड बीच में दो लाइन खींच देंगे वो दो लाइन का मतलब क्या है इट इज अ डबल बॉन्ड सिंगल लाइन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड डबल डबल लाइन बॉन्ड क्या ये बात समझ में आ रही है फटफट -फट जा रहे हैं अपन थोड़ा फास्ट जा रहे हैं नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है चलो इसका Z Z मतलब क्या एटॉमिक नंबर कितना है सेवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो कॉमा पांच दो शेल पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में पांच इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन आइटम यहां पे मैं दिखा रहा हूं इसका वैलेंस शेल हम देख रहे हैं आउटर मोस्ट शेल पांच इलेक्ट्रॉन है एक दो तीन चार पांच और ये वाले कौन है लोन पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ये तीन कौन है बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन ठीक है भाई ये हो गया दूसरा नाइट्रोजन आइटम तीन कौन है बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन दो कौन है लोन पैर जब दोनों नाइट्रोजन आइटम नजदीक आएंगे तो देर विल बी शेयरिंग ऑफ छे इलेक्ट्रॉन मतलब थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी शेयर अब इस लेफ्ट वाले नाइट्रोजन में आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया वो स्टेबल हो गया हो गया ना वैसे ही राइट right वाला नाइट्रोजन एक दो तीन चार पांच छह सात आठ इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट वो भी स्टेबल हो गया बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सो देर आर थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर शेयर तीन पेयर शेयर हो रहा है तो क्या बनता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख ले फटाफट ये रहेगी मेरी लोन पैर और एक दो तीन ये रहेंगे मेरे बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स वापस एक और नाइट्रोजन आइटम लेंगे फॉर्मूला बना दो लोन पैर दूसरा नाइट्रोजन आइटम उसकी लोन पैर एंड बीच में बनाएंगे तीन लाइन विच इज अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड तो यहाँ पे ये कहानी आपको समझ में आ गई देखो ये बेसिक्स है इसके ऊपर ज्यादा सवाल आते नहीं है लेकिन ये बेसिक क्लियर करना क्यों जरूरी है बिकॉज बॉन्डिंग आपको समझ जाती है तो आगे जाके कार्बन के जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे alkane के, alkane के, alkane के, alkane के, उसमें जो लाइन हम खींचेंगे उस लाइन का क्या मतलब होता है वो हमें यहां पे समझ में तो आना चाहिए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेड डबल कोवैलेंट बॉन्ड टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेड इज दिस एप्सोल्यूटली क्लियर ठीक है एंड uh, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे आगे जाके जब हम आई यूपीएससी करेंगे जब हम रियक्शन सॉल्व करेंगे वो सारे नोट्स भी प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में ठीक है तो जो कुछ मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें करूंगा वो प्रैक्टिस मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते जाएगा तो प्लीज कीप चेकिंग द डिस्क्रिप्शन वहां पे बहुत कुछ है दिया हुआ है ऑलरेडी एंड नया भी आपको देते रहूंगा <coughs> तो अब चलते हैं मेन कार्यक्रम इसके ऊपर बनता है सवाल इसके ऊपर आते हैं बहुत सारे सवाल हाइड्रोकार्बन

ओपन चेन इज अगेन डिवाइडेड इन टू टू पार्ट सैचुरटेडी अनसे थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा आपको याद मैं करवा दूंगा सैचुरेटेड सैचुरेटेड के अंदर फिर से क्या आता है अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है अगर कार्बन कार्बन आइटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है उसको हम बोलते हैं एल्केन एंड अल्केन में आता है सैचुरेटेड सैचुरेटेड के अंदर एक ही कैटेगरी है अल्केन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड टेड में दो पॉसिबिलिटी है अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है तो उसको हम बोलते हैं अल्कीन, इन लगाएंगे। ठीक है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एन इन आइन फिर क्लोज चेन की जहां बात आती है सॉरी क्लोज चेन में रिंग स्ट्रक्चर होगा जो कुछ इस तरह से दिखेगा सारे कार्बन आइटम्स ज्वाइंट होकर एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे आपको यहां पे दो एग्जाम्पल दे रहा हूं साइक्लोहेजेन एंड बेनजीन इन दोनों को बनाते कैसे हैं यह हम आगे जाके पढ़ेंगे तो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है दिखता एकदम खेकड़े के जैसा है लेकिन दे आर वेरी इजी टू ड्रॉ तो टेंशन नहीं लेने का मैं आया है तो बता के जाएगा यहां तक बात समझी हाइड्रोकार्बन डिवाइडेड इंटू तो टू टाइप्स ओपन चेन क्लोज चेन ओपन के अंदर सैचुरेटेड अनसेड सैचुरेटेड में में एंड क्लोज चेन में दो एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन बेंजीन अब चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अल्केन अल्किन अल्काइन मैंने आपको इधर दिया है अभी अल्केन का एक जनरल फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को यूज करके हम अल्केन का स्ट्रक्चर्स बनाएंगे ठीक है तो पहले जनरल फॉर्मूला अपन बाय हार्ट कर लेंगे जिसका हेल्प लेके वी विल मेक द स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्केन अल्किन एंड अल्काइन अब अल्केन का जनरल फॉर्मूला रहेगा सी एन एच टू एन प्लस याद करो याद करो याद करो सी एन एच टू एन प्लस टू का रहेगा CnH2n इसके अंदर दो हाइड्रोजन कम है यहाँ पे कैसा प्लस टू है तो हमने यहाँ पे प्लस टू हटा दिया अल्किन विल हैव टू हाइड्रोजन एटम्स लेस देन द अल्केन समझ में आ रही है बात वैसे ही अल्काइन का रहेगा CnH2n एन एच टू एन माइनस मतलब अल्काइन विल हैव टू हाइड्रोजन आइटम्स लेसिन याद कर लो ये थोड़ा फटफट -फट जा रहे हैं अपन फिर इधर मैं अल्क 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 चिल्ला रहा हूं चिल्ला रहा हूं अल्क का मतलब क्या होता है ध्यान से सुनना. रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड इट इज कॉल्ड द रूट वर्ड एन मतलब सिंगल बॉन्ड इन मतलब डबल बॉन्ड आईन मतलब ट्रिपल बॉन्ड लेकिन अल्क मतलब क्या नंबर ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड एग्जाम्पल से बताता हूं आपको चलो मान लो मेरे कंपाउंड में एक कार्बन है इज ओनली वन कार्बन इन द कंपाउंड तो तो मेरा रूट रहेगा मेथ तो मीथेन बनता है ना मीथेन क्या होता है सी एच फोर वन कार्बन आइटम मेथ रूट क्या रहेगा मेथ ठीक है अगर दो कार्बन आइटम है तो रूट रहेगा एथ इथेन बनता है इथिन होता है इथाइन भी होता है ठीक है तीन कार्बन आइटम रहेंगे तो मेरा रूट रहेगा प्रो, प्रोपेन होता है प्रोपीन होता है प्रोपाइन होता है कहानी समझ रहे हो तो ये याद रखना बहुत जरूरी है बिकॉज आई करो रिएक्शन करो कुछ भी करो आपको रूट वर्ड अगर नहीं पता तो आप आई यूपीएससी नहीं कर पाओगे वन मेथ टू एथ थ्री प्रॉप फोर ब्यूट बट नहीं होता ब्यूट होता है फाइव पैंट पैंट वाला पेंट सिक्स इज हेक्स अच्छे से बोलना हेक्स सेवन होता है हेप्ट एट होता है ऑक्ट फिर आपको नाइन <coughs> और टेन भी यहां पे दे रहा हूं मैं लेकिन इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आते नाइन इज नॉन टेन इज डेक ठीक है वन कार्बन मेथ टू एच थ्री प्रॉप फोर ब्यूट फाइव पेंट सिक्स सेवन हेप्ट एट ऑक्ट नाइन नॉन टेन डेक थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा यहां पर तो यहां तक क्या क्या याद करोगे अल्किन होता है अल्किन होता, होता है अलकाइन होता है तीन चीजें होती हैं सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड

बहुत अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएगा बहुत आसान है चलो अल्केन का जनरल फॉर्मूला हमने याद किया था सी एन एच टू एन प्लस टू करेक्ट है? अच्छा अब हम क्या करेंगे बेसिक मैथ सी वन एच टू प्लस टू सी वन एच फोर अब वो वन का कुछ मतलब नहीं होता तो वन हटा देंगे तो सी एच फोर यह मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया ऑफ फर्स्ट अलकेन

अब मैंने आपको रूट याद करवाया था मैथ वॉज योर रूट वर्ड याद करने की कोशिश करो मैथ क्या होता है इट इज योर रूट वर्ड और एन मतलब क्या एन मतलब क्या सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कम ऑन वी अंडरस्टैंड दिस मच अभी ध्यान से सुनना मेरी बात सी एच फोर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आपको एग्जाम में आता है तो लेट अस अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनता कैसे है? यह हमारा कार्बन आइटम उसका वैलेंस शेल मैं आपको दिखा रहा हूं शेल कितने इलेक्ट्रॉन है चार इलेक्ट्रॉन है फिर यहां पे मैंने आपको चार हाइड्रोजन एटम भी दिखाए हैं विद सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ठीक है अब क्या होएगा ना करीबी करीब आएंगे एटम्स तो हमारा हाइड्रोजन एटम कार्बन के नजदीक आएगा तो यहां पे वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रही है टू इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो ये एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा कोमोन और नो वैसे ये वाला हाइड्रोजन करीब आएगा वन ऑफ इलेक्ट्रॉन लेक्ट्रॉन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ये भी करीब आएगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ये भी करीब आएगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इस तरह से होती है बॉन्डिंग बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल बराबर है अभी ये बंगड़ी बंगड़ी वाला डायग्राम अपने को एग्जाम में नहीं बनाने का अच्छा बांगड़िया नहीं बनवाई हमें एग्जाम में क्या आता है ध्यान से सुनना कार्बन बनाएंगे इसके चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से दिखाओ कार्बन लिखो उसके ऊपर के चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाओ फिर ये हाइड्रोजन उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग कलर से यहां पे दिखा रहा हूं सो so दैट हमें समझ में आए एग्जाम में आप ऑब्वियसली एक ही पेन से बनाओगे तो सेम कलर का रहेगा ठीक है थीके? फिर ये दूसरा हाइड्रोजन उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीसरा हाइड्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन चौथा हाइड्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत इजी है अब मेरे को बताओ यहां पे हाइड्रोजन के पास डुप्लेट कंप्लीट हो गया तो वो स्टेबल हो गया ये वाला हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट ये भी स्टेबल ये भी स्टेबल बराबर है एंड कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया देखो ऐसा कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया वो भी स्टेबल हो गया सो दिस इज़ योर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो आपको एग्जाम में बनाने का है डोंट आस्क इन द कमेंट सर येलो कलर का बनाना पड़ेगा क्या नहीं एक ही पेन यूज करोगे तो एक ही कलर का दोनों आपका बना के देखा दूंगा ना तो ही आपको समझता है सी लिखो ऐसा दो डॉट बनाओ इधर डो डॉट बनाओ इधर दो डॉट बनाओ इधर दो डॉट बनाओ, बनाओ, बनाओ बराबर फिर लिखो एच फिर लिखो एच फिर लिखो एच फिर लिखो एच खत्म हो गए। दिस इज योर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर मीथेन कुछ मुश्किल है इसमें नहीं। ये ये मार्क के लिए पूछा जाता है। समझ ले चलो करेंगे सब हो गया molecular formula of ethane, second member of अब इसका structure बनाते हैं कैसे बनेगा पहले दो कार्बन लिखो देखो C2 है तो पहले दो कार्बन आइटम लिख दो अब ये अलकेन है मतलब सिंगल बॉन्ड होगा तो सी सी के बीच में सिंगल बॉन्ड बना दो अब मुझे बताओ कार्बन आइटम एक कार्बन आइटम कितने बनाता है चार बनाता है इसका एक बॉन्ड बन गया इधर तो और कितना बॉन्ड बनाएगा तीन बनाएगा तो एक दो तीन बन गया तीन ये कार्बन आइटम भी और कितने बॉन्ड बना सकता है तीन बना सकता है तो एक दो इसका भी हो गया सो दिस इज योर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर इथेन अभी आपको एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूं। का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपने बना दिया इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी हमें आना चाहिए बिकॉज आगे रिएक्शन में काम आएगा तो ये जो सी एच थ्री है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ये सी एच 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 इनको मैं ऐसे लिख सकता हूं सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री

बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन उसका भी तीन हाइड्रोजन लगा दो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कोई मन में मलाल रह गया है कोई संकोच रह गया तो यहाँ पे फिर से बना देते हैं दो कार्बन बनाओ दोनों के बीच में दो डॉट बनाओ इधर दो डॉट इधर भी दो डॉट इधर भी दो डॉट बराबर है इधर दो डॉट इधर दो डॉट इधर भी दो डॉट अब सिर्फ हाइड्रोजन लिख दो यहाँ पे एच 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 एंड योर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन क्लियर है बात अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट एन इक्वल टू थ्री एंड सी थ्री एच टू इन थ्री प्लस टू सॉल्व करेंगे सी थ्री एच सिक्स प्लस टू सी थ्री एच एट ऑफ थर्ड अल्केन बना दो तीन कार्बन लिखो तीनों के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड बिकॉज इट इज अल्केन अब ये वाला कार्बन और कितना बॉन्ड बना सकता है तीन बना सकता है तो एक दोन तीन बराबर है ये वाला कार्बन मुझे बताओ इसका एक और दो बॉन्ड बन चुका है ना इधर तो और कितना बॉन्ड बनाएगा दो बनाएगा तो एक दो नीचे लगाओ इसका और तीन बॉन्ड बन सकता है तो एक दो तीन इस तरह से यहां पे तीन हाइड्रोजन लग गए तो ये हो गया तुम्हारा सी थ्री एच एट विच इज नथिंग बट नथिंग बट प्रोपेन ठीक है भाइयों और बहनों मुझे बताओ समझ में आ रहा है प्रॉप इज योर रूट वर्ड एन मतलब सिंगल बॉन्ड ठीक है अच्छा इसका भी कंडेंस स्ट्रक्चर हमें आना चाहिए तो ये वाला जो पार्ट है इसको मैं सी एच थ्री ऐसे लिख रहा हूं फिर ये बीच में जो पार्ट है ये वाला ये वाला इसको हम सी एच टू करके लिखेंगे एंड तीसरा वाला जो पार्ट है दिस पार्ट थोड़ा मैं गंदा कर रहा हूं प्लीज अंडरस्टैंड सी एच थ्री सो दिस विल बी द कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन कंड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ प्रोपेन एकदम क्लियर हो गई बात एंड लास्ट में लास्ट में लास्ट में वन मोर ठीक है पहले पहले मैं थोड़ा स्लो ले रहा हूं आगे आगे थोड़ा फास्ट करेंगे ऑफ ब्यूटेन चार कार्बन आइटम सबके बीच में सिंगल 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 बॉन्ड ये कार्बन तीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर सकता है तो एक दो तीन ये कार्बन दो हाइड्रोजन ये कार्बन दो हाइड्रोजन ये, ये वाला कार्बन एक दो तीन इसका भी कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मुला हमें लिखने आना चाहिए तो मैं फटाफट इधर ऊपर बना देता हूं सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री क्या ये बात समझ में आ रही है ठीक है एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन ये हो गया तुम्हारा नथिंग बट ब्यूटेन अगेन ब्यूट क्या रहेगा तुम्हारा रूट रहेगा दिख रहा है ना भाई इज अल्केन अल क्लियर आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बहुत ईजी है ये जो हम बनाते हैं ना इसको एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर बोल सकते हो एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड ये जो हमने ऊपर लिखा ये वाला दिस इज योर कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल ठीक है फिर अल्किन पे आते हैं देखो मैं थोड़ा फास्ट जा ही रहा हूं जस्ट बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक द वीडियो वेरी बिग लेकिन इट शुड कवर ऑल द इंफॉर्मेशन तो मैं थोड़ा फटफट -फट जा रहा हूं अल्किन जनरल फॉर्मूला सी एन अब यहां पर मुझे एक बात बताओ एन N के जगह पे मैं वन रख सकता हूं क्या नहीं रख सकता उसके पीछे दो कार्बन चाहिए ना तब जाके डबल बॉन्ड बनेगा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं बनेगा तो आई नीड मिनिमम टू कार्बन तो एन का वैल्यू मिनिमम क्या रहेगा टू रहेगा एन का वैल्यू मिनिमम क्या रहेगा टू रहेगा फटाफट देख लो वी कैनोट सब्सिट्यूट एन इक्वल टू वन फॉर अल्किन डबल बॉन्ड कैन एग्जिस्ट ओनली बिटवीन टू कार्बन कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बनेगा मिनिमम टू कार्बन आर नीडेड फॉर मेकिंग चलो आज वो बनाते हैं एन के जगह पे डालेंगे टू सी टू एच टू टू इंटू टू तो सी टू एच फोर हो गया अब इसको बनाते हैं कैसे पहले दो कार्बन आइटम लिखो अब ये अल्किन है मतलब दोनों के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तो डबल बॉन्ड लगा दो एक और दो अब ये कार्बन और कितने बॉन्ड बनाएगा दो बनाएगा तो किसके साथ बनाएगा हाइड्रोजन के साथ एक और दो हाइड्रोजन लगा दो ये वाला कार्बन और दो बॉन्ड बना सकता है एक और दो हाइड्रोजन के साथ बना दो तो ये क्या हो गया तुम्हारा दिस इज योर यथीन इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला विल बी सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू ये बातें आपको यहीं पे बता रहा हूं आगे जाके बहुत काम आएंगी जब हम आई करेंगे जब हम रिएक्शंस करेंगे ठीक है चलो फिर इसका भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछते हैं

उनके बीच में चार इलेक्ट्रॉन बना देंगे इस तरह से ऊपर दो नीचे दो ऊपर भी दो नीचे भी दो सिंपल अब लिखो एच 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 ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथिन बिना किसी टाइम पास के फट फट आगे चलते हैं

और दो बना सकता है तो एक और दो ये दो हाइड्रोजन यहां पे लग गया ये क्या हो गया तुम्हारा ये हो गया प्रोप अब इसका भी कंडेंस कंडेन्स्रक्चरल फॉर्मूला फिर चलते हैं वी विल पुट एन इक्वल्स टू फोर सी फोर एच टू इन फोर सी फोर एच एट बना देते हैं चलो चार कार्बन डबल बॉन्ड किधर भी लगाओ इधर लगाओ इधर लगाओ इधर लगाओ, लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है एक्चुअली फर्क पड़ता है बिकॉज दो तरीके का ब्यूट इन बन सकता है ब्यूट वन इन बन सकता है और ब्यूट टू इन भी बन सकता है लेकिन यहां पे स्ट्रक्चर बनाते वक्त आप यहां भी लगाओ यहां भी लगाओ कोई मतलब अंडरस्टूड है ठीक है चलो तो हम कहां लगा रहे हैं बीच में लगा रहे हैं डबल बॉन्ड ये वाला कार्बन आइटम तीन बॉन्ड बनाएगा इस तरह अब ये वाला कार्बन दो और एक बन चुका तो एक और बनाएगा इस तरह ये वाला कार्बन इसका भी दो और एक बन चुका तो एक बनाएगा ये वाला कार्बन तीन बना सकता है तो एक दो और तीन यहां पे भी तीन हाइड्रोजन लग गए तो ये बन गया तुम्हारा ब्यूट इन अगर एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी है तो इसको तुम टू ब्यूटी बुलाओगे बिकॉज कार्बन नंबर वन कार्बन नंबर टू सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसको हम टू ब्यूटीन बुलाते हैं आप वन ब्यूटीन भी बना सकते हो कैसा बनेगा वन ब्यूटीन सी डबल बॉन्ड सी 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 ऐसा दिखेगा तो यहां पे आप H2 लगाओगे यहां पे आप H लगाओगे यहां पे H2, टू यहां पे H3, थ्री सो दिस विल बी योर वन ब्यूटीन ठीक है अलग कलर से बताता हूं एक मिनट एक मिनट एक मिनट फर्स्ट कार्बन सेकेंड थर्ड फोर्थ तो यहां पे फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो दिस इज वन ब्यूटीन आपको सारी इंफॉर्मेशन जितनी दे सकता हूं सारी इंफॉर्मेशन दूंगा तो ये हो गया टू ब्यूटीन सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है ये फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो वन ब्यूटीन इज दिस एब्सोल्युटली इस दिशा लूट ली क्लियर कमोन कमोन हो रहा है हो रहा है, हो रहा रहा है है क्लियर चलते हैं पे जनरल रहेगा आइए यहां पर भी मेरे को मिनिमम एन का वैल्यू क्या रहेगा टू रहेगा बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में बनेगा तो आई नीड मिनिमम टू कार्बन टू टू चलो सी टू एच टू इंटू टू माइनस टू सी टू एच फोर माइनस टू सी टू एच टू तो पहले बनाओ दो कार्बन आइटम आइन है तो दोनों के बीच में रहेगा ट्रिपल बॉन्ड लाइक दिस अब ये कार्बन सिर्फ एक और बॉन्ड बना सकता है तो यहां पे एक एच लगेगा ये कार्बन एक बॉन्ड बना सकता है तो यहां परिपल बॉन्ड सी एच इस तरह से इसका भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम देखेंगे बिकॉज हमको खुजली है तो बनाओ एक कार्बन ये उसके

इधर भी दो एच एच ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट सॉरी क्रॉस नहीं आएगा इट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन ठीक है भाई अब एन इक्वल टू थ्री डालो मजा आता है करो सी थ्री एच टू इंटू थ्री माइनस टू सी थ्री एच सिक्स माइनस टू सी थ्री एच फोर क्या करेंगे तीन कार्बन एटम लाइन से लिखेंगे आपको जहां मन करे जहां आपको वाइब आए फील आए वहां आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दो हमने यहां लगाया हुआ है ठीक है अब ये वाला कार्बन और तीन बॉन्ड बनाएगा तो एक दो तीन तीन हाइड्रोजन यहां लगेंगे इस कार्बन का सब कुछ समाप्त हो चुका है वो खत्म हो गया है एक और तीन इसके चार बॉन्ड बन चुके हैं तो उसको कुछ नहीं देंगे इस कार्बन एटम को एक और हाइड्रोजन लग सकता है तो हम यहां पे एक और हाइड्रोजन लगा देंगे लेकिन आपको पता है मैं क्या करूंगा कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाऊंगा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाऊंगा सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच बहुत घटिया वाला एच बनाया मैंने फिर से बना देते हैं ये वाला एच सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी ये हो गया तुम्हारा प्रोपाइन प्रोप क्या होता है रूट होता है आइन क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है आखिरी आखिरी बार एन इक्वल्स टू फोर डाला हुआ है करो सॉल्व सी फोर एच टू इंटू फोर चार कार्बन आइटम बनाओ एक दो तीन चार जहां मन करे वहां ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे हम कहा लगा रहे हैं यहीं पे लगा रहे हैं तो ये टू एंड थ्री ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक ही ट्रिपल बॉन्ड बनाना है बाय द वे बच्चे ये भी पूछते हैं सर दो दो ट्रिपल बॉन्ड लगाया तो चलेगा क्या नहीं हम बेसिक अलकाइन पढ़ रहे हैं तो एक कंपाउंड में एक ही ट्रिपल बॉन्ड होगा अल्किन में भी सेम एक कंपाउंड में एक ही डबल बॉन्ड रहेगा दोन दो डबल बॉन्ड तीन तीन डबल बॉन्ड नहीं बनाने का है एक ही डबल बॉन्ड एक ही ट्रिपल बॉन्ड बस सिंपल नाउ इस कार्बन को एक हाइड्रोजन लग सकता है लगा दो इसका सब कुछ समाप्त हो चुका है इसको कुछ नहीं देंगे इसको दो हाइड्रोजन लगाएंगे ऊपर नीचे इसको तीन हाइड्रोजन लगाएंगे इस तरह से इसका नाम क्या पड़ेगा ब्यूटाइन बाय द वे थोड़ा और अगर क्लैरिटी चाहिए तो ये फर्स्ट कार्बन है ये सेकेंड है ये थर्ड है ये फोर है फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको वन ब्यूटाइन बुला सकते हो कमोन ये नो टू ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाएगी यहां पे लगेगा एच थ्री यहां खत्म हो चुका है यहां खत्म हो चुका यहां लगेगा एच थ्री मुझे अभी बताओ अगर आपको पता है फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन सेकेंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इट इज टू ब्यूट आइन कहानी समझ में आ रही है टू ब्यूटाइन भी होता है वन ब्यूटाइन भी होता है बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे यहां पे सेकेंड कार्बन पे ठीक है इज दिस दिस्यूटली क्लियर घाई गड़बड़ी में तो नहीं बनाया ना समझ में आया होगा बिकॉज ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है दिस इज रिविजन रिविजन इज फास्ट फास्ट फॉरवर्ड चलो नाउ स्ट्रक्चरल आइजोमिज्म के ऊपर भी डेफिनेशन आती है तो कहानी समझ लेते हैं देखो क्या बता रहा हूं मैं आपको देर आर टू पॉसिबल कार्बन चेंज फॉर ब्यूटेन हम एक ब्यूटेन बनाते हैं ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है सी फोर एच टेन बराबर है सी फोर एच टेन द्यूटेन चार कार्बन आइटम चारों के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड ठीक है इस सॉरी पहले वाले कार्बन को तीन हाइड्रोजन लग जल्दी हो गया थोड़ा सॉरी एनिमेशन जल्दी चला गया इसको तीन लगेंगे इसको दो लगेंगे इसको दो लगेंगे इसको भी तीन लगेंगे तो ये हो गया तुम्हारा पहला स्ट्रक्चर विच इज अट्रेट चेन इधर कोई ब्रांचिंग नहीं हो रहा है लेकिन एक दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल है जहां पे मैंने तीन कार्बन आइटम लाइन से लगाया एंड एक कार्बन इधर मैंने नीचे लगाया इन तीनों के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है लेकिन आपको दिख रहा यहां पे बीच में से एक ब्रांच बन रही है इस कार्बन पे मेरे को बताओ कितना हाइड्रोजन लग सकता है एक दो तीन इस कार्बन पे मेरे को बताओ इसने ऑलरेडी तीन बॉन्ड बना दिया है तो इसको सिर्फ एक हाइड्रोजन लगेगा इस कार्बन को और एक दो तीन तीन हाइड्रोजन लगा सकते हैं और इस कार्बन को भी और एक दो तीन तीन हाइड्रोजन लगा सकते हैं तो मुझे एक बात बताओ दोनों का फॉर्मूला है आपको चाहिए तो गिनो दिस दिस इज इज दिसन लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है स्ट्रक्चर अलग है इस फेनोमिन को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइजोमरिजम ठीक है तो दिस इज माई स्ट्रेट चेन सॉरी दिस इज स्ट्रेट चेन दिस इज ब्रांच चेन एंड इसका नाम भी आपको बता देता हूं दिस इज आइजो ब्यूटेन दिस इज ब्यूटेन अब ये इसका आइजोमर है तो इसको हमने आइजो ब्यूटेन बोला है बरोबर है ठीक है सो पॉइंट नंबर वन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले सेम मॉलिक्युलर फॉर्मूले फोर एच टेन मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग एक स्ट्रेट चेन एक ब्रांच चेन दिस दिस इज इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आई होप एब्सोल्युटली क्लियर फिर लास्ट में मैंने आपसे एक वादा किया था आपको मैं रिंग स्ट्रक्चर बताऊंगा कैसे बनाते हैं आइए मिलकर मिल, मिल बांट के बनाते हैं साइक्लोहेक्सेन पहले क्या करो छह कार्बन एटम को इस तरह हेक्सागोन के स्ट्रक्चर षटकोण षटकोण के स्ट्रक्चर में हम बनाएंगे सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है ठीक है बेसिक स्केलेटन बन गया अभी सुनो ये कार्बन और कितना बॉन्ड बना सकता है दो बना सकता है ना एक और दो हो गया और दो बॉन्ड बना सकता है तो हमने यहां पे दो हाइड्रोजन लगा दिए उसी तरह से ये भी और दो बॉन्ड बना सकता है तो इसको भी दो हाइड्रोजन देंगे इसको भी दो देंगे इसको भी दो इसको भी दो दे दो एंड इसको भी दो तो मेरे को बताओ कार्बन कितना था था C6 लेकिन हाइड्रोजन कितना है डबल है ना बारह तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाता है सी सिक्स एच वे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था सी एन एच टू एन प्लस टू तो अगर मैं सी सिक्स एच ट्वेल्व यहां बन रहा है ना इस फॉर्मूला के हिसाब से सी सिक्स एच टू इन टू सिक्स प्लस टू दिस विल बिकम सी सिक्स h14 हो जाएगा कम ऑन और नो तो बच्चे मुझे बोलते हैं सर c6h14 आता है लेकिन यहां पे c6h12 कैसा आया मेरे भाइयों एक बात सुनो अल्केन स्ट्रेट चेन में आता है सैचुरेटेड कंपाउंड स्ट्रेट चेन दिस इज अ रिंग हाइड्रोकार्बन इनका फॉर्मूला अलग है इनकी कहानी अलग है कंपेयर मत करो ठीक है तो ये तुम्हारा क्या होता है दिस इज हेक्सेन एंड दिस इज साइक्लोहेक्जेन फरक है ना फरक है अलग कंपाउंड है हेक्जेन के साथ साइक्लोहेक्जेन को कंपेयर मत करो ये स्ट्रेट है और ये रिंग है तो देर इज अब्वियस डिफरेंस बिटवीन द टू नाउ ये मेरा साइक्लोहेक्जेन हो गया लेकिन एक और स्ट्रक्चर हमें बनाना है बेंजीन का देखो छह कार्बन आइटम लेंगे छह कार्बन आइटम लेंगे उनको हेक्सागोन के स्ट्रक्चर में लगाएंगे इस तरह से शटकोन बनाओ अभी अल्टरनेट डबल बॉन्ड देने का एक डबल बॉन्ड इधर एक डबल बॉन्ड इधर एक डबल बॉन्ड इधर अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल डबल डबल क्लियर अल्टरनेट बॉन्ड अभी इस कार्बन को और कितना बॉन्ड बना सकते हो एक दो तीन तीन हो गया तो और कितना लगेगा एक लगेगा तो एक हाइड्रोजन यहां पे सिमिलरली इसको भी कितना लगेगा एक लगेगा इसका तीन हो गया है. इसको भी कितना एक इसको एक इसको एक इसको एक तो क्या बन गया सी सिक्स एच सिक्स दिस इज अल कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन होगा है. है. तो बेंजीन, बेंजीन की पूरी कहानी आप समझोगे फिलहाल के लिए सिर्फ स्ट्रक्चर समझ लो पहले क्या बनाओगे शटकोन पहले क्या बनाने का मैं लिख मेरे को देखो मराठी लिखने को नहीं आता है. तो मैं हिंदी में इंग्लिश में लिखूंगा शटकोन शटकोन बनाया फिर अल्टरनेट अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाओ एंड बाद में हाइड्रोजन फिल कर दो खत्म हो गई बात में ई नहीं आना चाहिए ना जाने दो आई होप दिस मच इज क्लियर आप अल्के नल्कि नलका का स्ट्रक्चर बना सकते हो उनका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर भी आपको बनाने आना चाहिए और सोनो इतना हो गया है तो अब चलते हैं फाइनली टू फंक्शनल ग्रुप्स फंक्शनल ग्रुप करने के पहले अपने को दो तीन थोड़े सवाल देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं ड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विदाउट सर्कल बांगड़िया पहला दिया है मीथेन ये हमने ऑलरेडी बना के देखा है कार्बन हाइड्रोजन 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 ये हो गया उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने बना के देखा था फिर इथिन ये भी हमने बना के देखा था एक एक मार्क के लिए पूछे जाते हैं सी एच टू सी एच टू बीच में रहेगा टू पेयर्स ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डबल कोवेलेंट बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच में फिर पूछा है अब ध्यान से सुनना इज अ टाइप ऑफ एल्कोहल जो हम आगे जाके पढ़ेंगे इसका फॉर्मूला होता है सी एच थ्री ओ एच अब इसको बनाओगे का इलेक्ट्रॉन्स मैंने इस तरह से दिखा दिया अब सी एच थ्री है कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन लगा हुआ तो पहले हाइड्रोजन दिखा देते हैं एक यहां पे एक यहां पे एक यहां पे ठीक है अब यहां पे ओ OH एच लगा हुआ है तो पहले मैं लिखूंगा ओ

इसका दोनों लोन पेर ऊपर नीचे दिखा देंगे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड शेयर होगा हाइड्रोजन के साथ एंड पे भी एक हाइड्रोजन लगेगा इस तरह से तो ये हो गया अगेन ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल फॉर्मुले ऑफ कंपाउंड होता है इट इज नथिंग बट प्रोपेन एंड प्रोपेन का स्ट्रक्चर हमने बना के ऑलरेडी देखा हुआ है कमोनेस और नो इसका कंडेंस स्ट्रक्चर कंडेंस्ड स्ट्रक्चर एक और बार बना देता हूं सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री ये हो गया कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये हो गया एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये बातें मैं रिपीट कर रहा हूं सो so दैट आपके दिमाग में फिट होती जाए सी क्या होता है सी इज नथिंग बट योर ब्यूटेन वन टू थ्री फोर फोर कार्बन स्ट्रेट चेन भी बना सकते हैं सादा वाला ब्यूटेन एंड मसाला वाला ब्यूटेन मसाला नहीं होता ऑब्वियसली चेन भी बना सकते हो इस तरह से इसको तीन हाइड्रोजन लगाएंगे इसको एक लगेगा इसको कितना लगेगा तीन लगेगा तीन इसको भी तीन लगेगा तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सी फोर एच टेन सेम रहेगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है ये स्ट्रेट चेन है ये ब्रांच चेन है इसको बोलेंगे आइजो बूटेन इट इज अ स्ट्रक्चरल आइजोमर ऑफ ब्यूटेन और नो एंड इज नथिंग बट योर प्रोपाइन तीन कार्बन मतलब प्रोप होता है ना सो इट इज अल्काइन, जिसमें तीन कार्बन है सो इट इज प्रोपाइन इस तरह से इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमने ऑलरेडी बना के देखा है इट इज प्रोपाइन कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना देता हूं यहां पे CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH इसका दूसरा कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी बच्चे मुझे आके पूछेंगे सर अगर हमने ट्रिपल बॉन्ड लेफ्ट में लगाया तो ऐसा बनाया तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री एंड यहां पे एक एच तो ये तो अलग हो गया ना सर लेकिन देखो मेरी बात सुनो आप लोग इसको ही हमने मिरर किया हुआ है ऐसा था उसको ऐसा किया इसका मतलब ये नहीं कि कंपाउंड चेंज हो गया कंपाउंड वही है प्रोपाइन ही है उसको सिम तुम ऐसा देख रहे हो ऐसा करके देख रहे हो इट इज नॉट चेंजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड

टेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन बताना तो मैं भूल गई हाइड्रोकार्बन क्या होता है कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर क्लासीफाइड इंटू थ्री टाइप्स यहां पर मैं अल्केन की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ की कहानी अलग है थोड़ी एक मिनट गिवन एग्जाम्पल ऑफ इच इसका आंसर कैसा आएगा पहले हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन लिखो हाइड्रोकार्बन इन विच

सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का भी तीन टाइप क्या लिखेंगे स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन साइक्लिक चेन जिसका एग्जांपल रहेगा साइक्लोहेक्सेन इज दिस क्लियर नाउ अब आते हैं मेन मुद्दे पे फंक्शनल ग्रुप के क्या होता है देखो समझते हैं मैंने मीथेन लिया है CH4 मान लो मेरे को खुजली आया मैंने ये हाइड्रोजन को हकल दिया तो यहां पे एक बॉन्ड ओपन हो गया एंड मैंने लगाया क्लोरीन तो मेरा कंपाउंड चेंज हो गया उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा इसको मैं बोलूंगा वैसे ही एक और बार मीथेन लेते हैं खास हाइड्रोजनून लाव वी पुट फ्लोरीन इन दैट तो वापस प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा फंक्शन चेंज हो जाएगा इसको मैं बोलूंगा फ्लोरोन एक और एग्जाम्पल ले लो वी अगेन टेक मिथेन रिमूव द हाइड्रोजन हमने लगाया ओ ओ एच फिर से यहां पे कुछ नया आ गया फंक्शन चेंज हो जाएगा प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा इसको बोलेंगे मेथेनॉल

सिंगल सिंगल single -single भी हो सकते हैं फ्लोरिन ब्रोमिन भी लगा सकते हैं सिंगल सिंगल एटम या फिर वो ग्रुप में भी आ सकते हैं इस तरह से. OH group, एक और अगर तो सी एच ओ सीओ एच ये सारे क्या हैं दीज आर ग्रुप्स ऑफ एटम्स तो बात क्या है सिंगल भी हो सकता है या फिर इट कैन बी

ठीक है तो जब कभी ओ OH आ जाता है तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा एल्कोहल कहलाएगा एन आ जाएगा तो वो अमाइन कहलाएगा आर यू अंडरस्टैंड ठीक है तो अपने को ये फंक्शनल ग्रुप्स का चार्ट याद करना है आइए समझते हैं फंक्शनल ग्रुप्स तो सबसे पहला हेट्रो आइटम है मेरा हेलोजन कौन से कौन से हेलोजन को आप जानते हो क्लोरिन है क्लोरीन है ब्रोमीन है आयोडीन है करेक्ट है दीज आर माई हेट्रो आइटम्स हेलोजन एंड हैलोजन वाले फंक्शनल ग्रुप का नाम रहेगा जिसमें क्लोरो लगेगा ब्रोमो लगेगा फ्लोरो लगेगा, आयोडो लगेगा। आयोडो देखो हमने क्लोरीन लगाया तो उसको बोला क्लोरोमीथेन, हमने फ्लोरीन लगाया तो फ्लोरोमीथेन ब्रोमीन लगेगा तो ब्रोमोमीथेन, आयोडीन लगेगा तो आयोडोमीथेन। तो इनको हम जनरली क्या बुलाते हैं तो इसका जो नेम होता है फंक्शनल ग्रुप का वो क्या हेलो है? है थेन ब्रोमोमिथेन आइडोमिथेनोल सिंपल टू अंडरस्टैंड अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या रहेगा बॉन्ड एक्स बॉन्ड एक्स एक्स इज द सिंबल फॉर ठीक है एक्स मतलब क्या हेलोजन क्लोरीन भी हो सकता है ब्रोमीन हो सकता है फ्लोरीन हो सकता है आयोडीन हो सकता है एक्स मतलब हेलोजन कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या रहेगा बॉन्ड एक्स कोई फर्क नहीं है सेम है दूसरा हाइड्रो आइटम लेते हैं ऑक्सीजन उसका बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप्स है पहला लेंगे एल्कोहल एल्कोहल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वेरी सिंपल ओ एच कंडेंस करोगे तो बॉन्ड ओ एच सिर्फ बीच वाला बॉन्ड हटा दो बॉन्ड ओ एच दिस इज योर कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर एल्कोहल फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एसिड थोड़ा सा है बच्चों को दिक्कत आती है ध्यान से सुनना मेरी बात सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्डो सी डबल बॉन्डो सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच सी ओ एच एंड लेफ्ट में बॉन्ड ओपन है जहां पर कार्बन का चेन आ सकता है फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर मैं सी एच थ्री लगा दू इस तरह से तो ये एसिटिक एसिड acid बन जाता है एसिड बराबर है तो कार्बन के लेफ्ट में बॉन्ड ओपन है जहां पे कार्बन का चेन आ सकता है एंड सी ओ एच इसको अगर मैं कंडेंस करूं तो ऐसे लिखूंगा COOH एच दिख रहा है बिल्कुल क्लियरली मेरी चेयर हट नहीं रही है हा एच इज दिस वेरी क्लियर तीसरा एल डी हाइड एसिड एंड का स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर है लेकिन फिर भी होता है ध्यान से इसी को कंडेंस करेंगे तो मेरे को मिलता है सी एच ओ अब यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है सी ओ एच बोला हमने लेकिन यहां पे सी एच ओ लिखा ऐसा भी आपको एग्जाम में आ सकता है लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे आपको लगेगा कि यहां पर एसिड का टाइपिंग मिस्टेक है ओ नहीं डाला है गलती से लेकिन दिस इज एल्डिहाइड आपको एक्सपैंडेड फॉर्म समझ में आना चाहिए तो ही आप एग्जाम में आंसर लिख पाओगे तो सी डबल बॉन्ड ओ एच कंडेंस रहेगा सी एच ओ सी एच ओ चलो फिर बात करते हैं कीटोन की फोर्थ फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑक्सीजन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एक्सपैंडेड रहेगा सी डबल बॉन्ड ओ दोनों साइड में लेफ्ट एंड राइट में बॉन्ड ओपन जहां पे कार्बन का चेन आ सकता है इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है इसको कंडेंस करो तो बॉन्ड सी ओ बॉन्ड को एंड एस्टर की बात करते हैं सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एंड दोनों साइड में बॉन्ड ओपन रहेगा लेफ्ट एंड राइट में यहां पे भी कार्बन का चेन आ सकता है यहां पे भी कार्बन का चेन आ सकता है इसको कंडेंस करेंगे तो बॉन्ड सी ओओ बॉन्ड इस तरह से आ जाएगा नाउ अंडरस्टैंड दिस एस्टर एंड ईथर इथर तो मैं दिखा भी नहीं रहा हूं यहां पे बिकॉज इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एग्जाम में नहीं आता आई यूपीएससी जब हम करेंगे मेरे लिए कीटोन तक इंपॉर्टेंट है एस्टर का आईयूपीएसी नहीं है इथर का भी नहीं है एस्टर आपको क्यों बता रहा हूं बिकॉज आगे जाके रिएक्शन आता है एस्टेरिफिकेशन का उसके लिए मैं एस्टर यहां पे दिखा रहा हूं सीओ ये होता है एस्टर लेकिन इसके ऊपर ज्यादा कोई क्वेश्चन आते है नहीं है एक्सेप्ट एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्लियर हो गई बात एंड एक और हाइड्रो आइटम लेते हैं नाइट्रोजन इसका अमाइन रहेगा फंक्शनल ग्रुप का नाम एंड उसका फॉर्मूला देख लेते हैं नाइट्रोजन इसकी वैलेंसी होती है थ्री नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है वन विथ हाइड्रोजन एनएच दूसरा विथ हाइड्रोजन एन एच टू एंड एक बॉन्ड ओपन रहेगा जहां पे कार्बन का चेन आएगा इसको कंडेंस करोगे तो बॉन्ड एन एच टू दिस इज योर कंडेंस्ड फॉर्मूला फॉर अमाइन क्लियर हो गई बात अभी तात्पर्य क्या है कितना याद करके जाना है देखो मेरी बात हेलो बॉन्ड एक्स ये उसका फॉर्मूला एल्कोहल बॉन्ड ओ एच एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड मैं इसको पूरा पूरा नहीं बोलूंगा सिर्फ एसिड बोलूंगा तो समझ लो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा हूं एल्कोहल ओ एच एसिड ओ एच सी ओ एच सी एच ओ चो एंड कीटोन रहेगा सी ओ अबाइंड रहेगा एन एच टू अभी इसको याद कैसे करेंगे मुश्किल है ना थोड़ा इतना तो मेरे को याद है बॉन्डेक्स हैलो ठीक है ओ कु चो को ओह कु को ओ चो को ओ कु को एल्कोहल एसिड एल्डिहाइड कीटोन देखो एल्कोहल एसिड एल्डिहाइड एंड कीटोन ये सीक्वेंस मैं याद रखूंगा एल्कोहल एसिड एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल एसिड एल्डिहाइड कीटोन ओकू चोको ओकू चोको ओकू चोको सिंपल तरीके से आप ऐसे याद रख सकते हो मैं तो ऐसे ही रखता हूं याद ओकू चोको ठीक है तो ये हो गए आपके फंक्शनल ग्रुप्स

प्रोपेनो प्रोपेन लिया है, C3H8, एक हाइड्रोजन निकालो C3H7, OH लगा दो तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा जाएगा प्रोपेनॉल इसी इसी तरह से, इसी तरह से से बनेगा तुम्हारा एक एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकाल निकाल के OH लगाया वैसे पेंटेनॉल बना सकते हो किया सीरीज ऑफ कंपाउंड बनाया OH हमने कहा लगाया एक हाइड्रोजन को निकाल के लगाया सो दिस फंक्शनल ग्रुप वॉज इन द प्लेस ऑफ अ पर्टिकुलर हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकाल के ओ एच लगाया एंड अगर आप सीरीज देखोगे तो उसमें कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सो द कार्बन चेन इज इंक्रीजिंग इन लेंथ एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन नो सच सीरीज ऑफ कंपाउंड्स

तो ओ एच ओ कैंसल हो गया एच फाइव माइनस एच थ्री इज एच टू C टू माइनस सी इज सी एच टू सी तो एथेनॉल एंड मेथेनॉल को अगर मैं माइनस करता हूं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे डिफरेंस आता है सी एच ग्रुप का इस ग्रुप को बोलते हैं मिथिलिन यूनिट नेबर्स के बीच में मिथिलिन यूनिट का डिफरेंस होता है एक और एग्जांपल ले लेते हैं आई टेक प्रोपेनॉल सी थ्री एच सेवन ओ एच आई टेक एथेनॉल सी करो दोनों को सब्ट्रैक्ट OH OH एच कैंसल एच सेवन माइनस कितना हो गया H2 टू सी थ्री माइनस सी टू क्या हो गया सी तो अगेन नेबर्स के बीच में शेजारी के बीच में डिफरेंस आता है डिफरेंस इज सी एच टू मिथिलिन यूनिट ये पहली प्रॉपर्टी होती है ठीक है दो बाजू बाजू के कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस होता है मिथिलीन यूनिट का एंड इस CH2 का मॉलिक्यूलर मास क्या रहेगा मुझे बताओ कार्बन का एटमिक मास यूनिट इज 12 12 यू बोल सकते हो या फिर 12 डाल्टंस वैसे हाइड्रोजन का क्या होता है वन डाल्टन तो CH2 का क्या रहेगा 12 कार्बन का 12 प्लस दो हाइड्रोजन है तो 1 प्लस 1 12 प्लस 1 प्लस 1 इज नथिंग बट 14 एटॉमिक मास यूनिट्स और डाल्टंस सो दिस इज द मोलिकुलर मास ऑफ सी एच टू यूनिट तो यहां पर सीरीज़ की कुछ प्रॉपर्टीज अपने को समझ में आती हैं. हमें समझ में आते हैं पहला वाला, तो उसमें क्या चेंज आ रहा है मिथिलिन यूनिट का चेंज आ रहा है एक एक मिथिलिन यूनिट एड हो रहा है मोलिकुलर मास में डिफरेंस कितना रहेगा फोर्टीन यूनिट का मोलिकुलर मास इज इंक्रीजिंग बाई 14 यूनिट करेक्ट है एंड वन कार्बन कार्बन आइटम इंक्रीज हो रहा है मोलिकुलर मास फोर्टीन यूनिट से इंक्रीज हो रहा है एंड सी एच टू यूनिट एड होते जाता है यह तीन कैरेक्टर्स आप याद रखोगे होमोलोग का इसका डेफिनेशन आता है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन मार्क इज दिस क्लियर और एग्जाम में आपको तीन होमोलोग सीरीज याद करके रखनी है अल्केन अल्कोहल अल्किन देखो आपके टेक्स्ट बुक में ना बहुत सारी चीजें दी हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ नेम एंड मोलिकुलर फॉर्मूला ये दो ही चीजें आपको एग्जाम में पूछेंगे सिर्फ इतना याद करके जाना फॉर अल्केन अल्कोहल एंड अल्किन तो अल्केन का सीरीज तो हमें आता है मीथेन सी एच फोर इथेन सी टू एच सिक्स प्रोपेन सी थ्री एच एट ब्यूटेन सी फोर एच टेन पेंटेन सी फाइव एच टे हो गया तुम्हारा अल्केन का सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट हमने बना के देखा है एक एक कंपाउंड तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए एल्कोहल मैथेनॉल सी एच थ्री ओ एच फिर एथेनॉल बोला सी टू एच फाइव ओ एच प्रोपेनॉ सी थ्री एच सेवन ओ एच ब्यूटेनॉ सी फोर एच नाइन ओ एच पेंटेनॉल सी फाइव एच एलेवन ओ एच जितना जितना मैं बता रहा हूँ उतना याद करके जाओ पांच नाम है एंड पांच फॉर्मूले हैं उतने याद करके जाओ अल्किन का भी इथिन से स्टार्ट होगा सी टू एच फोर प्रोपिन सी थ्री एच सिक्स मेरे को एक बात बताओ यहाँ पे एल्किन का जनरल फॉर्मूला सी एन एच टू एन प्लस टू अगर आपको ये फॉर्मूला याद है ये सारे फॉर्मूला आप बना सकते हो कम और नो एंड अल्किन का रहेगा सी एन एच टू एन ये आपको आता है तो आप ये, ये बना दोगे मेरे को बताओ ब्यूटीन का सी फोर एच एट डबल और सी फोर है तो एच एट है।, है ना कमोन पेंटीन सी फाइव एच टेन में हट जाता हूं दिख रहा है सो दिस इज यू मस्ट रिमेंबर फॉर होमोलोगस सीरीज क्या याद रखोगे एक तो उसका डेफिनेशन कर लो फिर उसके कैरेक्टर्स कर लो जो मैंने आपको तीन बताया सी एच टू एड होता है मास इंक्रीज हो रहा है एंड कार्बन एटम इंक्रीज होंगे एक दो तीन चार एक एक कार्बन एटम बढ़ेगा ये कैरेक्टर हो गए एंड ये तीन सीरीज अल्किन अल्कोहल अल्किन इतना करके जाना ठीक है अब फाइनली चलते हैं आई यू पी एसी नॉमन क्लेचर पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमें यहां पर करनी है आई यू पी एसी नॉमन क्लेचर सिस्टम की ट इज आई इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अपलाइड केमिस्ट्री एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये हैचर सिस्टम के रूल्स बनाती है एंड बहुत सारे और भी रूल्स बनाती है केमिस्ट्री से रिलेटेड तो शुरू करते हैं आइए आपका जो नाम आप दोगे कंपाउंड का इट इज ऑफ थ्री पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पेरेंट पेरेंट के लेफ्ट में जो लगता है पहले उसको बोलते हैं प्रीफिक्स पेरेंट के बाद जो लगता है उसको बोलते हैं सफिक्स चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है सब कुछ एकदम डिटेल में बताऊंगा पेरेंट की अगर बात करें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये मेरा अल्क एन बनेगा तो एन लगाऊंगा मैं ठीक है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा तो इन लगेगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन लगेगा इतना आपने को आता है देन रूट वर्ड की अगर मैं बात करूं ये भी आपको मैंने बताया वन कार्बन मेथ टू कार्बन एथ थ्री कार्बन प्रॉप फोर ब्यूट फाइव पेंट सिक्स कार्बन हेक्स सेवन कार्बन हेप्ट एट कार्बन ऑक्ट नाइन कार्बन नॉन टेन कार्बन डेक ये भी हमने पढ़ा है तो ये रूट वर्ड आपको याद है सिंगल बॉन्ड इन डबल बॉन्ड इन ट्रिपल बॉन्ड बॉन्डाइन इतना भी हमें याद हो गया अब प्रीफिक्स कब लगेगा कब यूज करेंगे प्रीफिक्स को जब आएंगे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये लोग अगर आते हैं आपके कंपाउंड में तो इनको आप प्रीफिक्स में लगाओगे पेरेंट के पहले क्या प्रीफिक्स लगाओगे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो हमने बना के देखा था ना क्लोरोमीथेन ब्रोमोमीथेन फ्लोरोमीथेन तो वो कहा लग रहा है मीथेन के पहले वो प्रीफिक्स में लग रहा है अगेन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा फिर सफिक्स कहां लगेगा कब लगेगा कौन लगेगा जब फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे एल्कोहल आ गया ओ तो इसका सफिक्स रहेगा ऑल एल्कोहल का ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो उसका सफिक्स रहेगा ओ आईसी ओ आई सी एसिड ऑइक एसिड फिर सी एच ओ

कौन से कार्बन पे आ रहा है उसका नंबर भी देना पड़ सकता है हर एक एग्जाम्पल में देने की जरूरत नहीं है किसी किसी एग्जाम्पल में देना पड़ेगा तो वो नंबर कहां लगेगा नंबर लगेगा प्रिफिक्स एंड सफिक्स के पहले प्रिफिक्स के पहले सफिक्स के पहले, के पहले, सफिक्स के 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 पहले 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 कैसे यूज करना है आपको मैं सब बताऊंगा चिंता मत करो ये देख के थोड़ा कंफ्यूजन होता है लेकिन यहां पे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी व्हेन वी सॉल्व द एग्जांपल्स अभी कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं स्टेप नंबर वन आइडेंटिफाई द दैरेंट हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन एटम कितने हैं वो काउंट करो काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम आपका पेरेंट कौन है वो आइडेंटिफाई करो नंबर टू अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसका अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स या फिर सफिक्स लगा दो आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप एंड ऐड द अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स और सफिक्स एंड नंबर थ्री आपका फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे है उसका नंबर अगर जरूरत है लगाने की तो लगा दो असाइन प्रॉपर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इफ रिक्वायर्ड हर एग्जाम्पल में नंबर लगाने की जरूरत नहीं है ये तीन स्टेप याद रहेगा पहले काउंट द नंबर ऑफ कार्बन आइटम बाद में प्रीफिक्स लगाओ लगाओ सफिक्स एंड इफ रिक्वायर्ड नंबर लगा के खत्म करो आइए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल्स फटाफट नाउ ध्यान से सुनना पहले मैं हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल ले रहा हूं तो यहां पे सिंपल सा एक कंपाउंड आपके सामने है काउंट द नंबर ऑफ कार्बन आइटम एक आनी दो राणी तीन आनी चार आप कहीं से भी काउंट कर सकते हो लेफ्ट से भी कर सकते हो राइट right से भी कर सकते हो लेकिन कौन से सिचुएशन में कहां से काउंट करना है वो मैं आपको बताऊंगा यहां पे आप सिंपल लेफ्ट से करो वन टू थ्री फोर मुझे बताओ, मतलब, मेरा रहेगा, but, बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो ये रहेगा एन तो बन गया ब्यूटेन बहुत सिंपल नंबर टू जहां जहां पे आपको ऐसा मार्क दिखेगा मतलब आपको कॉमन नेम भी याद रखना है मैं जितने कंपाउंड्स आपको दे रहा हूं उतने उतने ही एग्जाम में आएंगे उसके ऊपर का नहीं आएगा तो जितने हम करेंगे उतने करके जाओ जहां टिक मार्क है उनका कॉमन नेम भी याद कर लेंगे अब मुझे बताओ यहां पे वन कार्बन टू कार्बन तो मेरा रूट क्या रहेगा इथ अभी डबल बॉन्ड है ना बीच में तो इथ इन हो जाएगा बहुत सिंपल इथिन और इसका कॉमन नेम रहेगा इथिलीन इथिलीन नंबर थ्री

क्लोरो फॉर क्लोरीन ब्रोमो फॉर ब्रोमिन फ्लोरो फॉर फ्लोरिन एग्जाम्पल चलो अभी मेरे को बताओ क्लोरीन लगा हुआ है ये मेरा कार्बन नंबर वन ये मेरा कार्बन नंबर टू है काउंटिंग हमेशा आप वहां से स्टार्ट करोगे जहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप है अभी क्लोरीन यहां पे राइट में लगा हुआ है तो मैंने राइट से नंबर वन एंड नंबर टू दिया ठीक है भाई मेरे को बताओ दो कार्बन है तो मेरा पेरेंट क्या बनेगा इथेन बनेगा थोड़ा जगह लेके लिखते हैं इथ एन हो जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है सो इट इज इथेन एंड क्लोरो है तो प्रीफिक्स मतलब लेफ्ट में लगेगा ना तो आई विल राइट क्लोरो इथेन देखो ये सारी चीजें मैं थोड़ी लिख के बता रहा हूं आपको एनिमेशन तो मैं डाल सकता था लेकिन जब लिख के बताता हूं तो थोड़ा पर्सनल फील आता है एंड स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है ये आपको समझ में आ जाएगा एट द सेम टाइम ये पूरा प्रैक्टिस का शीट आपको मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन यू कैन प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन ठीक है क्लोरो इथेन हो गया नंबर वन नंबर टू इधर है तो मैं काउंटिंग यहां से स्टार्ट कर रहा हूं वन एंड टू अगेन टू कार्बन कॉमन नेम भी हमें पढ़ना है क्लोरीन इधर है तो नंबरिंग में यहां से स्टार्ट कर रहा हूं वन टू एंड थ्री नाउ तीन कार्बन है तो मैंने पहले लिखा प्रोपेन थोड़ा मैं हट जाती हूं मैंने लिखा प्रोपेन फिर मेरे को मिला क्लोरो क्लोरीन मिला तो मैंने लिखा क्लोरो क्लोरोप्रोपेन फिर पता चला क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे अटैच्ड है तो मैं नंबर भी लगाऊंगा नंबर कहां लगता है प्रीफिक्स के पहले प्रीफिक्स के पहले तो वन क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा इसका कॉमन नेम रहेगा एन प्रोपाइल क्लोराइड अब वन क्लोरोप्रोपेन अगर बनता है तो टू क्लोरोप्रोपेन भी बन सकता है उसका भी स्ट्रक्चर आपको यहां पे बता देता हूं सो दैट कोई भी मन में मलाल ना रह जाए आपके चलो ऐसे बनाते हैं सी एच थ्री सी एच क्लोरीन एंड सी एच थ्री मेरे को बताओ क्या ये कार्बन वन है क्या ये कार्बन टू है क्या ये कार्बन थ्री है तीन कार्बन है सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन आ रहा है तो इसका नाम क्या रहेगा इसका नाम हम क्या लिखेंगे ब्लैक से लिखते हैं क्या लिखेंगे टू प्रोपेन

तीन चार चार कार्बन हो गए सेकेंड पे क्लोरो है टू क्लोरो तो मैं यहां पे फॉर एग्जांपल क्लोरीन लगा देता हूं हो गया अभी सिर्फ हाइड्रोजन फिल करना है पहले वाले को तीन हाइड्रोजन लगेंगे दूसरे वाले का तीन बॉन्ड हो गया तो इसको सिर्फ एक हाइड्रोजन यहां लगा देता हूं आप पूरा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर लिखोगे तो भी चलेगा इसको इधर दो हाइड्रोजन दे दो एंड इसको इधर एक दो और तीन हाइड्रोजन दे दो इस तरह से तुम्हारा स्ट्रक्चर बनेगा क्या इसको थोड़ा कंडेंस करके लिख सकते हैं लिख सकते हैं ना लिख दे आ जाओ सी एच थ्री सी एच यहां लगाया था सी एल सी एच टू एंड सी एच थ्री ये बन जाएगा मेरा टू क्लोरो ब्यूटेन वन क्लोरोब्यूटेन भी आप बना सकते हो क्लोरीन को फर्स्ट कार्बन पे लगाओगे तो वन क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा ठीक है वैसा वन ब्रोमो प्रोपेन पूछा है तो पहले तो प्रोपेन बना देंगे एक दो और तीन तीन कार्बन फर्स्ट पे हमें ब्रोमीन लगाना है तो आप इधर एक ब्रोमीन लगा दो फिर इसको आप सी एच टू दे दो इसको भी सी एच टू दे दो इसको सी एच थ्री दे दो ये हो गया तुम्हारा वन ब्रोमो प्रोपेन इज दिस सिंपल ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है पहले आइडेंटिफाई द पेरेंट पेरेंट आइडेंटिफाई करके कार्बन लगाओ फिर जो बोला है फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमो बोला है तो ब्रोमीन लगा दो खत्म हो गई फिर हाइड्रोजन फिल कर दो वेरी इजी चलो फिर बात करते हैं एल्कोहल की अपना फंक्शनल ग्रुप क्या है ओ ओह इसका सफिक्स क्या रहेगा ऑल आइए शुरू करते हैं नंबर वन मार्क है तो कॉमन नेम भी याद करेंगे एक ही है. एक ही ही कार्बन कार्बन है है तो मैंने पहले मेरा रूट लिखा मीथेन अब ध्यान से सुनना सफिक्स लगता है ऑल तो मैं ई e हटा के लगाऊंगा ऑल तो बन जाएगा मेथेनोल ई क्यों हटाना पड़ता है बिकॉज दो वोवेल कभी साथ में नहीं आएंगे दो वॉवेल ई एंड ओ साथ में नहीं आएंगे इसलिए ई e हटा के हम ऑल लगाते हैं ठीक है मिथेनॉल इसका कॉमन नेम क्या रहेगा मिथाइल एल्कोहल वेरी सिंपल दूसरा एग्जाम्पल लिया है हमने काउंट count करो काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप के बिल्कुल नजदीक से तो मैंने वन बोला टू बोला मेरा पेरेंट रहेगा इथेन फिर ओ OH एच है तो ऑल लगाएंगे तो ई e हटा देंगे आप डायरेक्ट लिखो ऑब्वियसली मैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं इथेनॉल बन गया कॉमन नेम रहेगा इथाइल अल्कोहल तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं अभी सुनो आप लेफ्ट से काउंट करो या फिर राइट right से काउंट करो आपका ओ एच सेकेंड कार्बन पे ही आएगा तो मैं यहां से करता हूं one, two, तो पहले मैंने लिखा क्या लिखा प्रोपेन लिखा मैंने फिर मैंने फिर देखा सेकेंड कार्बन पे ओ एच OH लगाया तो पहले तो मैंने फिर ओ एल लगाया तो प्रोपेनॉल बना लेकिन मुझे नंबर भी देना है सेकेंड कार्बन पे ओ OH एच है तो मुझे नंबर भी देना है नंबर कहां लगता है सफिक्स के पहले सफिक्स कौन है ऑल मतलब नंबर कहां लगेगा ऑल के पहले तो यहां पे एक छोटा सा गैप बनाएंगे प्रोपेन डैश टू डैश ऑल सफिक्स के लेफ्ट में रहेगा तुम्हारा नंबर प्रोपेन टू ऑल दिस क्लियर प्रोपेन वन ऑल भी बन सकता है कैसा रहेगा थोड़ा बना के देखते हैं चलो मैंने सी एच थ्री बनाया सी एच टू लिखा सी एच टू एंड ओ एच तो क्या मुझे यहां पर ये मेरा कार्बन वन रहेगा ये मेरा कार्बन टू रहेगा ये कार्बन थ्री तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा प्रोपेन वन ऑल बन जाएगा यहां पे लिख दें प्रोपेन वन ऑल क्या ये बातें समझ में आ रही है थोड़ी लिख लिख के बता रहा हूं लेकिन आई होप इट इज गेटिंग क्लियर ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं हो रहा है प्रैक्टिस करोगे सब आ जाएगा ठीक है चलो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड मेरा फंक्शनल ग्रुप है कुह सी ओ एच एंड सफिक्स रहेगा ओआईसी एसिड ओइक एसिड नंबर वन एग्जांपल देखो यहां पे तुम्हारा जो फंक्शनल ग्रुप है उसके अंदर ही कार्बन आ रहा है सो दैट इज माय फर्स्ट कार्बन याद रखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन है तो वो मेरा पहला कार्बन इसके बाद में आता है सेकंड कार्बन तो मेरे को एक बात बताओ मेरा पैरेंट बनेगा इथेन फिर मैं क्या करूंगा मैं ई e हटा के ओइक एसिड लगा दूंगा छतरी कु इसका कॉमन नेम क्या है एसेटिक एसिड एथेनॉइक एसिड एसिटिक एसिड बहुत सिंपल फिर एक और एग्जाम्पल चलो कार्बन नंबर वन मेरा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन कार्बन नंबर टू कार्बन नंबर थ्री तो पहले तो मैंने लिखा प्रोपेन फिर मुझे पता चला ओ आईसी एसिड लगाना है तो मैंने ई हटा दिया मैंने लगाया ओ आईसी एसिड प्रोपेनोइक एसिड बन गया बहुत सिंपल फिर एक एग्जाम्पल ब्यूटेनोइक एसिड हमें बना के दिखाना है तो ध्यान से सुनो पहले तो ब्यूटेन बना दो चार कार्बन लगाओ एक दो तीन चार चौथा कार्बन के आगे लगाऊंगा सीओओ मतलब वही C -O -H हो गया कार्बन मिनट यही हो गया मेरा कार्बन नंबर वन ये हो गया कार्बन टू ये हो गया कार्बन थ्री ये हो गया कार्बन फोर अभी क्या करोगे नाउ यू विल फिल द हाइड्रोजन सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सीओ सिंपल इनफ ये हो गया ब्यूटेनोइक एसिड एंड बस तीन हो गए एल्डिहाइड एल्डिहाइड पे पे चलते हैं, पे चलते हैं हैं मेरा फंक्शनल ग्रुप क्या है सी एच ओ इसको थोड़ा एक्सपैंड करके याद करा देता हूं सी डबल बॉन्ड ओ एच ऐसा रहेगा इसका एक्सपैंडेड फॉर्म एंड पचका हो गया मेरा सफिक्स रहेगा अल एक्सपैंडेड फॉर्म फिर से बना देते हैं सी डबल बॉन्ड ओ एच सफिक्स रहेगा एल चलो एग्जाम्पल ले लो मेथन एल नाउ अंडरस्टैंड दिस बहुत अच्छे से मेथ मतलब वन कार्बन तो मैंने लिखा C डबल बॉन्ड ओ एच मेरा पहला कार्बन इधर ही आ गया फंक्शनल ग्रुप के अंदर फर्स्ट कार्बन आ गया तो अभी दूसरा कुछ कार्बन नहीं लगेगा ठीक है ये मेरा फंक्शनल ग्रुप हो गया C डबल बॉन्ड ओ एच अब मैं यहां पे सिर्फ एक H लगा सकता हूं H लगा के ये हो गया एच सी एच ओ दिस इज नथिंग बट योर फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एल्टीहा एच सी एच ओ इतना ही होता है फिर से इसको अच्छे से लिख देता हूं कमोन एच सी एच ओ इतनी बात समझ में आई और नो फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही तुम्हारा कार्बन आ गया है दैट इज योर कार्बन नंबर वन तो यहां पे सिर्फ हमने H लगाया एच सी एच ओ दिस इज माई मेथनॉल आई होप दिस इज क्लियर चलो फिर आता है सेकेंड एग्जाम्पल इसका कॉमन नेम भी करेंगे ये मेरा कार्बन नंबर वन विच पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप ये मेरा कार्बन नंबर टू तो मैंने पहले लिखा दो कार्बन है, तो मैंने 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 इथेन लिखा, फिर हटा दिया और मैंने बना हैल डिहाइड तो, तो याद रखोगे आप ये जो होता न, H -H है ना एच इसका कॉमन नेम है फॉर्मल डिहाइड सुना है कि नहीं फॉर्मल डिहाइड इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव डेड बॉडीज को भी प्रिजर्व करते हैं ना एम्बाल्मिंग बोलते हैं वहां पर भी वो जो एम्बाल्मिंग फ्लूड होता है उसके अंदर क्या होता है फॉर्मल डिहाइड होता है इट इज अ प्रिजर्वेटिव ठीक है थोड़ी आसपास की बातें भी करते जाएंगे हम चलो नंबर थ्री एग्जाम्पल अगेन कार्बन नंबर वन विच इज पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर टू कार्बन नंबर थ्री तीन कार्बन है तो मैंने लिखा प्रोपेन प्रोपेन लिखा फिर मैंने ई हटाया और मैंने क्या लगाया मैंने लगाया अल तो ये हो गया प्रोपेनल कदम फिर आते हैं कीटोन पे कीटोन का फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा CO सफिक्स रहेगा ओन एंड इसको एक्सपेंड करके दिखा देते हैं C डबल बॉन्ड O इस तरह से ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म ठीक है ना चलो एग्जांपल नंबर वन। अभी एक बात आपको बताऊं ये कीटोन का जो मॉलिक्यूल फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा तुम्हारे चेन के बीच में आएगा थोड़ा पीछे चलो एल्डिहाइड में आप एक बात नोटिस करो आपका CHO हमेशा एंड में आता है या तो वो लेफ्ट रहेगा या तो राइट right के एंड एसिड भी चेन के बिकॉज उसके दोनों साइड खुला हुआ है ना तो वो किधर आएगा बीच में आएगा चलो अभी कार्बन वन कार्बन नंबर टू कार्बन नंबर थ्री कहीं से भी काउंट करो आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो तो सेकेंड पोजिशन पे ही आ रहा है तो अब इसका नाम कैसा रहेगा देखो पहले हमने लिखा प्रोपेन बिकॉज तीन कार्बन है तो हमने लिखा प्रोपेन फिर हमने ई हटाया हमने बोला प्रोपेनोन ओन लगाया तो प्रोपेनोन हो गया कॉमन नेम रहेगा एसिटोन नेम प्रोपेनोन चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं अब इसका काउंटिंग आप किधर से स्टार्ट करोगे आपका फंक्शनल ग्रुप इधर है तो इसके नजदीक से आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट वन टू थ्री एंड फोर फोर कार्बन है तो मेरा पेरेंट बनता है ब्यूटेन तो मैंने पहले लिखा ब्यूटेन फिर मैंने क्या किया ई ई को को हटाया आट, आ, e को हटाया हट एंड मैंने लगाया ओन, तो बन गया ब्यूटेन ओन बस इसका कॉमन नेम क्या है ध्यान से सुनना दिस पार्ट इज कॉल्ड इथाइल इथाइल दिस पार्ट इज कॉल्ड मिथाइल एंड बीच में कीटोन क्या होता है कीटोन 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 होता है तो इसका नाम पड़ा, नाम क्या पड़ा पड़ा इथाइल इथाइल मिथाइल मिथाइल क्या चलो इसको कर देते हैं एक है. है? लेकिन हमने ब्यूटे में नंबर नहीं लिखा सेकंड एग्जाम्पल में भी नंबर नहीं दिया फर्स्ट एग्जाम्पल में भी नंबर नहीं दिया बिकॉज वहां पे जरूरत नहीं है आप ब्यूटेनोन को उल्टा भी लिखोगे ना लिख के दिखा लिख के दिखाऊंगा तो ही समझेगा नहीं तो नहीं समझेगा इसको आपने उल्टा लिखा फॉर एग्जाम्पल सी एच थ्री सी एच टू सी ओ सी एच थ्री ऐसा भी लिख सकते हो ना आप ब्यूटेनोन को आप ऐसा भी लिख सकते हो लेकिन अगेन आपका कार्बन वन है कार्बन टू है तो सेकेंड पोजिशन पे ही आ रहा है हमने सिर्फ उसको मिरर किया है आर यू अंडरस्टैंडिंग तो ब्यूटेनोन का नंबर देने का जरूरत नहीं है प्रोपेन में प्रोपेनॉन में नंबर देने का जरूरत नहीं है चलो कुछ चीजें यहां से इरेज कर देते हैं आई होप दिस पार्ट इज गेटिंग क्लियर चलो अभी इसमें पेंटेन टू ओन बनाते हैं पहले लिखो पांच कार्बन चलो एक दो तीन चार पांच पांच कार्बन हो गए टू ओन बोला है तो मैं यहां पे अगर डबल बॉन्ड ओ लगाओ सेकंड कार्बन तो ये हो गया पेंटेन टू ओन अभी सिर्फ हाइड्रोजन फिल करो सी एच थ्री सेकेंड कार्बन का खत्म हो चुका है तो यहां लगाएंगे सी एच टू यहां लिखेंगे सी एच टू और यहां लिखेंगे सी एच थ्री दिस बी योर पेंटेन टू ओन सर पेंटेन वन ओन हो सकता है क्या पेंटेन वन ओन हो सकता है क्या हाँ हो सकता है ना सॉरी क्या कर रहा हूं मैं पेंटेन थ्री ओन सॉरी माई बैड माई बैड पेंटेन थ्री ओन हो सकता है क्या यस yes. कैसे रहेगा एक दो तीन डबल बॉन्डू चार और पांच तो यहां पे तुम्हारा कीटोन एकदम बीच में आ रहा है एकदम परफेक्ट सेंटर में आ रहा है तो पेंटेन थ्री ओन बन रहा है एंड सेकेंड कार्बन पे आ रहा है तो पेंटेन टू ओन बन रहा है हा समझ में आ रही है बात कीटोन की बहुत आसान है कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है एंड तीसरी बात करेंगे अमाइन की चलो लास्ट पॉइंट सफिक्स रहेगा अमाइन चलो बनाते हैं एक कार्बन है और NH2 है तो पहले मैंने लिखा मीथेन मीथेन फिर मैंने ई हटा दिया और मैंने लगा दिया सफिक्स अमाइन तो बन गया बहुत सिंपल वेरी सिंपल चलो फिर बनाते हैं NH2 इधर है तो नंबर इधर से स्टार्ट करेंगे वन एंड टू अभी पहले मैंने लिखा इथेन टू कार्बन इथेन फिर मैंने ई हटा के लिखा अमाइन इथेन अमाइन एंड कहानी हाँ, इसका कॉमन नेम भी बता देने का इथाइल अमाइन यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कहानी इसकी समाप्त होती है अब लास्ट पार्ट आता है हमारा रिएक्शंस का चलिए उसको भी खत्म कर देते हैं तो ये वाला क्वेश्चन दिया है आपको आपके टेक्स्ट बुक के अंदर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बहुत ही सारे रिएक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं जो समझ में नहीं आते बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सा रिएक्शन क्या है टाइप क्या है फलाना क्या है डोंट वरी एक, एक करके आपको बताऊंगा कैटेगरी वाइज हम रिएक्शन पढ़ेंगे स्टार्टिंग विथ कंबशन एंड टिकमाक वाले रिएक्शन जो है वो आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं तो यहां पे बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं चलो फर्स्ट कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया तो कंबाइन हो जाएंगे विल गिव मी प्लस प्लस हीट लाइट इसमें बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं है बैलेंस इक्वेशन है अगला वाला देखते हैं हमने लिया है मीथेन अब मुझे एक बात बताओ ये मीथेन आपको कहा मिलता है बायोगैस में मिलता है तो यहां पे बायोगैस को जलाने की बातें हो रही हैं मीथेन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे देखो कार्बन विल हीट और लाइट तो आ ही रही है अब इसको बैलेंस भी करना है एक कार्बन बैलेंसिंग में थोड़ा फटफट करेगा देखो एक कार्बन है एक कार्बन है ओके चार हाइड्रोजन है दो हाइड्रोजन है तो एच टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे काउंट ऑक्सीजन इधर इधर दो है इधर टू प्लस टू फोर, तो इसको मैं टू से मल्टीप्लाई करूंगा ठीक है बहुत बढ़िया तीसरा सवाल, एक हजार रुपए के लिए रुक जाओ इसको एरेस्ट करो यहां से बायोग को हा एथेनॉल एल्कोहल उसको आप जब जलाते हो तो ब्लू फ्लेम के साथ जलता है आपका जो स्पिरिट लैम्प होता है स्पिरिट लैम्प में क्या होता है एल्कोहल इथेनॉल होता है एल्कोहल होता है इसको जलाएंगे तो इट विल कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू गिव मी सीओ टू सेम चीज हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू गिव मी वाटर प्लस हीट प्लस लाइट इसको करते हैं बैलेंस दोन कार्बन आहेत इधर कितना है एक है मल्टीप्लाई दिस बाय टू फाइव प्लस वन सिक्स हाइड्रोजन यहां पे दो है तो इसको थ्री टू जा सिक्स थ्री मल्टीप्लाई करो नाउ ऑक्सीजन इधर एक है और दो तीन है टू टू जा एंड थ्री सेवन है तो मैं क्या करूंगा ऑड नंबर है ना दोनों जगह पे इसको मैं थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा थ्री टू जै सिक्स प्लस वन सेवन तो दोनों जगह पे ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया सेवन सेवन समझ में आ रही बात अच्छा अब ध्यान से सुनना ये वाला वाला इक्वेशन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है आइडेंटिफाई द इक्वेशन करके ठीक है प्रोपेन दिया हुआ है अब आपको एक बात बताए प्रोपेन आपको कहा मिलता है एल पी जी लिक्विड पेट्रोलियम गैस घर पे सिलेंडर आती है टाकी आती है गैस की उसके अंदर क्या होता है प्रोपेन होता है इसको जलाएंगे विद ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन टू गिव मी सीओ टू फटाफट जाएंगे हाइड्रोजन टू गिट प्लस की जगह नहीं है तो छोड़ो बैलेंस कर लो फटाक से एक दो तीन कार्बन है यहाँ पे एक कार्बन है इसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन थ्री प्लस टू फाइव प्लस थ्री एट यहाँ पे कितना है टू है इसको मैं फोर से मल्टीप्लाई करूंगा फोर टू अच्छा

जोड़ के भी लिख सकते हो सी टू एच फाइव ओ एच बराबर है अभी क्या होगा सुनो एरो के ऊपर हम रिएक्शन कंडीशंस मेंशन करते हैं कि हमने कुछ अगर ऐड किया है कुछ कैटलिस्ट डाला है या फिर कोई रिएक्टेंट ऐड किया रिएजेंट ऐड किया है तो वो हमें एरो के ऊपर लिखना है हम यहां पे एल्कालाइन के एम एन ओ फोर एड कर रहे हैं के एम एन ओ फोर इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो क्या करता है वो ऑक्सीजन देगा फॉर ऑक्सीडेशन करेक्ट इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हम एरो के ऊपर ऐसे ब्रैकेट में ऑक्सीजन लिखते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही ऑक्सीजन एटम है नहीं इसका मतलब यह है कि बहुत सारे ऑक्सीजन एटम्स अवेलेबल हैं जिनसे ऑक्सीडेशन होते रहेगा आर यू अंडरस्टैंडिंग सो KMnO4 क्या कर रहा है ऑक्सीजन दे रहा है फॉर ऑक्सीडेशन सो अभी इन दिस केस क्या होता है ध्यान से सुनना मेरी बात ये जो H2 है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा एंड उसका वाटर बनके निकल जाएगा एंड ये जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन के साथ आके जुड़ जाएगा कैसे जुड़ेगा देखो सॉरी आपने पहले ही देख लिया जवाब रुको बनाते हैं सी एच थ्री एज इट इज रहेगा अब सेकेंड कार्बन का हाइड्रोजन निकल गया एंड वहां पे आके ऑक्सीजन चिपक जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ इस तरह से एंड बाजू में ओ OH एच तो अभी भी है तो मुझे एक बात बताओ

देखो ये वाला H2 निकल जाएगा ये वाला H2 निकल जाएगा एंड यहां पे ये ऑक्सीजन आके कनेक्ट हो जाएगा करेक्ट थोड़ा थोड़ा शिद्धत से शिद्धत से बनाओ हां चलो सी एच थ्री एज इट इज सी एच टू एज इट इज सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच तो ये तुम्हारा क्या बन जाता है प्रोपेनोइक एसिड ठीक है ये वाला इक्वेशन आपको दिया हुआ है तो वट इज द आंसर दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज दिस क्लियर आई होप दिस इज क्लियर सो लेट इज अंडरस्टैंड एडिशन रिएक्शन हमने लिया है अनसेड कंपाउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है अल्किन है ना ये करेक्ट इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एंड निकल प्लैटिनम निकल कौन है कैटलिस्ट का, का काम कर रहे हैं रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे ठीक है

और एक हाइड्रोजन हम यहां लगा रहे हैं तो हमने अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बना दिया वेरी सिंपल अब ये वाला टिक वाला इक्वेशन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है ये हमें करके जाना है देखो पहली बात तो ये कौन है आइडेंटिफाई करो मेरे को नाम बताओ तो थोड़ा तो अपना प्रैक्टिस यहीं पे हो जाएगा 1 2 3 4 कार्बन है ब्यूट एंड डबल बॉन्ड है तो ब्यूटिन है लेकिन सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो इसको तुम ब्यूट टू इन भी बुला सकते आ, बहुत गंदा लिखा है अच्छे से लिखते हैं मेरा अच्छा भी गंदा ही होता है ब्यूट टू इन बोल सकते हो या फिर आप उसको टू ब्यूट इन भी बुला सकते हो दोनों करेक्ट है ठीक है ब्यूट टू इन भी बुला सकते हैं टू ब्यूट इन भी बुला सकते हैं दोनों करेक्ट है इसके अंदर हम ब्रोमिन एड कर रहे हैं बी आर टू तो क्या होएगा देखो फर्स्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिस बॉन्ड विल ब्रेक डबल बॉन्ड टूटेगा ये और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा यहां पे एक ब्रोमीन लगेगा यहां पे एक ब्रोमीन लगेगा बस बात खत्म हो गई लगा दो बॉन्ड ब्रेक किया यहां पे एक ब्रोमीन यहां पे एक ब्रोमीन दिख रहा है सबको दिस इज योर एडिशन रिएक्शन इसको तुम ब्रोमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो ठीक है ऊपर वाला क्या था ये हाइड्रोजनेशन था दिस इज ब्रोमिनेशन चलो आगे चलते हैं सब्सटीट्यूशन की तरफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है बहुत ही सिंपल है देखो मजा आएगा हमने लिया मीथेन मीथेन को हम क्लोरीन गैस के साथ Cl2 गैस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट धूप के प्रेजेंट में प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है तो बेसिकली होता क्या है आइए समझते हैं छोटा सा यहां पे मैं मीथेन बना देता हूं पहले तो मजा आएगा सी हमने यहां पर बना दिया प्लस हम इसके अंदर क्लोरिन एड करें सी CL, एल CL. है ना उसको हम ऐसे लिखेंगे सी एल तो क्या होता है ना ये हाइड्रोजन एंड ये क्लोरीन आपस में मिल जाएंगे तो एक एच बन जाएगा ठीक है पहला प्रोडक्ट एच एंड ये दूसरा क्लोरीन फिर यहां जाके कार्बन को चिपक जाएगा सो बेसिकली हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके क्लोरीन घुस जाएगा हाइड्रोजन के जगह पे क्लोरीन घुसेगा ऐसा अदला बदली हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा विल गेट सी एच थ्री सी एल एक हाइड्रोजन निकल गया एंड etcl बन जाएगा साथ में इज दिस क्लियर इसको कर दो इरेज क्या ये बात समझ में आ गई पहला रिएक्शन समझ गया ना आगे का बहुत सिंपल है इसको हम वापस लेंगे नीचे इसके अंदर और क्लोरीन डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सेम थिंग विल हैपन हाइड्रोजन निकलेगा क्लोरीन घुस जाएगा एंड hcl बन जाएगा साथ में चलो ch2cl2 दो क्लोरीन हो गए प्लस hcl फिर से बाहर आ गया एक और बार इसी को लेंगे नीचे इसके अंदर और क्लोरीन घुसाएंगे Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फिर से एक हाइड्रोजन निकलेगा एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा तो CHCl3 हो गया प्लस HCl एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर आ रहा है CHCl3 फिर से इसको नीचे लिए और क्लोरीन घुसाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एक और हाइड्रोजन लास्ट हाइड्रोजन बचा हुआ है उसको भी निकाल दो CCl4 चारों क्लोरीन आ गए ऑल द हाइड्रोजंस वर सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन वन बाय वन प्लस एच सी एल मिलेगा अब यहां पे मजेदार एक बात क्या है पता है ये रिएक्शन कंटिन्यू चलते रहता है जब तक ये नहीं बनता है. ये रिएक्शन कंटिन्यू चलते ही रहेगा जब तक सीसीएल फोर नहीं बनेगा इसको हम चेन रिएक्शन भी बोलते हैं पहले एक प्रोडक्ट बनेगा फिर उसको ही हम एज अ रिएक्टेंट यूज करके दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे फिर वो एज अ रिएक्टेंट यूज होगा तीसरा बनेगा फिर उसको यूज करके चौथा बनाएंगे कंटिन्यू ये चेन चलती रहेगी जब तक सारे हाइड्रोजन निकल नहीं जाते सो दिस इज वॉट इज सब्सिट्यूशन रिएक्शन आई होप दिस इज सिंपल एंड ये टिक मार्क किधर गया रही हाँ मार्क वाला आपके टेक्स्ट बुक में दिया है हमने क्या लिया है इथेन लिया हुआ है बेसिकली कमॉन इथेन है इसके अंदर हम क्या घुसा रहे हैं क्लोरीन घुसा रहे हैं एक हाइड्रोजन निकलेगा उसके जगह पे क्लोरीन आ जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा के साथ कंबाइन होगा यहां पे दो क्लोरीन है तो मुझे एच सी एल मिलेगा सेम बात कम ये तो ये हो रहा है सनलाइट के प्रेजेंट में आपको मिल रहा है सी एच थ्री सी एच टू सी एल प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड कमोन वेरी सिंपल चलो फिर बात करते हैं इथेनॉल के आईएमपी रिएक्शंस के बारे में एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है गैसोहॉल क्या होता है इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स करते हैं एंड यूज किया जाता है ना इथेनॉल प्लस पेट्रोल का ब्लेंड बनता है उसको गैसोहॉल बोलते हैं बोलते हैं और उससे पॉल्यूशन कम हो जाएगा थोड़ा तो वो एक आंसर करके जाना इथेनॉल का अब इसके रिएक्शन देख लो चलो रिएक्शन विद सोडियम हमने लियानॉल सी एच थ्री सी एच टू एच इसको हम सोडियम के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं बहुत सिंपल चीज है देखो क्या होगा हाइड्रोजन निकल जाएगा जाएगा एंड सोडियम उसके जगह पे आ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा तो पहली चीज मेरे को मिल रही है सी एच थ्री सी एच टू ओ नो हाइड्रोजन निकला इट विल बिकम हाइड्रोजन गैस जो बाहर आ रही है बबल्स के फॉर्म में अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना इसको इरेज कर दो कहानी समझ में आ गई हाइड्रोजन के जगह पे सोडियम आ गया एंड हाइड्रोजन गैस बाहर आ रही है अब होता क्या है ना इसका नाम क्या है दिस इज सोडियम तो मैंने लिखा सोडियम एंड ये जो पूरा पार्ट है ना दिस पार्ट इज कॉल्ड एज इथॉक्साइड तो इसका नाम हो गया सोडियम एथॉक्साइड इट इज अ टाइप ऑफ सोल्ट ठीक है सोडियम एथॉक्साइड अब इसको बैलेंस भी करना है ध्यान से सुनना एक H निकल H2 बना ध्यान से सुनना एक H निकल, निकल के H2 बना तो मैं इस पूरे को टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बिकॉज मेरे को यहां पे पर टू से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी टू से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज इधर भी भी डबल हो 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 गया हो गया गया करेक्ट अब कितना तो हम इसको भी टू से मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली टू 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 लगाओ खत्म हो गई बात ये हो गया रिएक्शन विध सोडियम एंड एक और वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन देखो हमने लिया है अगेन एथेनॉल एंड उसके अंदर हम 170 पे उसको गर्म कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू ऐड कॉन्सेंट्रेटेड एच टू फोर तो इधर होता क्या है बहुत ही मजेदार रिएक्शन है ये भी यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा एंड वो इस ओ OH एच के साथ कंबाइन हो जाएगा ये एच और ओ एच OH कंबाइन हो जाएंगे तो वॉटर बन जाएगा एंड इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा देखो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू ये आपका इथिन बन गया प्लस ये एच एंड ओ एच मिलकर आपको वॉटर देंगे वॉटर मॉलिक्यूल बाहर आ रहा है इसको ही तो क्या बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वॉटर इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन हम भी डिहाइड्रेट हो जाते हैं ना पानी निकल जाता है तो यहां क्या कर रहे हैं पानी निकाल रहे हैं पानी काट तो है अपन एक मिनट कहानी समझी कम ऑन एस और नो यहां से एक हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन होकर वॉटर बन गया बाकी जो बचा हुआ था सी एच टू सी एच टू डबल बॉन्ड हो गया तो इथिन हो गया अल्किन बन गया यहां पे वैसा ही एक और एग्जाम्पल आपको टेक्स्ट बुक में दिया है टिक मार्क वाला डिहाइड्रेशन का पहले तो इसका नाम बता दो तीन चार तो एक कौन है भाई ब्यूटेनॉल लिया हुआ यहां पे ब्यूटेनॉल सिंपल नंबर भी आप दे सकते हो ब्यूटेन वन ऑल बोल सकते हो इसको लेकिन हम सिंपल ब्यूटेनॉल लिख रहे हैं वही 170 सेवेंटी डिग्रीज पे गर्म करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस फोर तो आपको क्या मिलेगा मेरे को बताओ यहां से एक एच निकलेगा इधर से एक एच निकलेगा और ओ OH एच के साथ कंबाइन होकर वॉटर बन जाएगा एंड इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा इस तरह से सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस पानी बाहर आ गया डिहाइड्रेशन हो गया बहुत आसान था अभी इसका सिर्फ नाम बता दो मेरे को ये कौन है कार्बन वन टू थ्री एंड फोर दिस इज नथिंग बट योर ब्यूट वन इन ब्यूट वन इन या फिर वन ब्यूटी एंड मेरे को कोई गपला नहीं चाहिए तो मैं इधर भी ब्यूटिन वन ऑल लिख दूंगा बिकॉज फर्स्ट कार्बन पे ओ OH लगा हुआ है तो आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे इस बड़े से लेक्चर के इतना एसिड एंड उसका इंपॉर्टेंट रिएक्शन विनेगर वाला आंसर भी यहां पर आता है वो भी करके जाना so, alcohol में, gasohol, very important. के साथ न्यूट्राइजेशन रिएक्शन तो होता है हमें क्या मिलता है सोल्ट प्लस वाटर आज बनाते हैं छत्री कुह यह मेरा इथोनॉइक एसिड है छत्री कुह इसमें डाला मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज माई बेस एच एंड मिलकर बनाएंगे पानी एच टू ओ बन के निकल जाएगा एंड ये सोडियम इस ऑक्सीजन के ऊपर आके चिपक जाएगा तो मुझे मिलेगा सी एच सी सीओ एन मिलेगा पानी H2O. इस सॉल्ट का नाम भी हमें देना है बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एन ए इज सोडियम तो मैं लिख रहा हूं यहां पे सोडियम सुनो मेरी बात ध्यान से सोडियम छतरी कु इसको बोलते हैं इथेनो वेरी 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 इंपॉर्टेंट यहां पे नाम बता रहा हूं बिकॉज आगे वापस आएगा बहुत ही जरूरी है सोडियम रखेंगे सोल्ट का सोडियम इथेनोइट एक और रिएक्शन देख लेते हैं छतरी कुह रिएक्टिंग विद सोडियम कार्बोनेट एक और बात जब भी कार्बोनेट रिएक्टेंट में आता है प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है तो आ जाओ देखते हैं H विल कम्बाइन विथ हाइड्रोजन विल कंबाइन विद ऑक्सीजन वाटर बन के निकलेगा ये सोडियम फिर से यहाँ ऑक्सीजन पे आके चिपक जाएगा तो मुझे छतरी कूना देगा सोडियम सॉल्ट देगा अच्छा ऑक्सीजन गिव्स मी वाटर प्लस कार्बोनेट ये हमेशा हमें क्या देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है उसके बबल्स आते हैं सो द गैस इज इवॉल्व ठीक है अपवर्ड so एरो दिखा रहे हैं अब इसको बैलेंस कर लेते हैं बहुत ही आसान है इधर सोडियम दो है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सोडियम एक है तो इस पूरे छतरी कूना को मैं टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ठीक है तो लेफ्ट हैंड साइड में छतरी कू को मैं टू से मल्टीप्लाई करूंगा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है काउंट कर लेना अगर आपको चाहिए तो फिर चलते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ये आता है एग्जाम में पांच मार्क के लिए इसके ऊपर आंसर आया था समझ लेते हैं बात को एस्टेरिफिकेशन बहुत लोगों को डर लगता है इससे कुछ नहीं है बहुत आसान है चलो हमने लिया छतरी कु एसिड उसमें हमने डाला एथेनॉल एथेनोइक एसिड प्लस एथेनॉल क्या होगा देखो पहले तो आप नीचे डायग्राम देखो ये जो टेस्ट ट्यूब है ना उसके अंदर पीला पीला कुछ माल है वो हमारा रिएक्टेंट है बेसिकली उसके अंदर क्या-क्या है आपको लिख के देता हूं ठीक है टेस्ट ट्यूब में क्या है एथेनोइक एसिड है प्लस एथेनॉल रहेगा हमारा अल्कोहल प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे एज अ टू फॉर द रिएक्शन तो ये तीन माल सामग्री हमारे टेस्ट ट्यूब के अंदर है हमने क्या किया है? हमने एक बीकर में पानी लिया है एंड उस पानी को हम गर्म कर रहे हैं ठीक है पानी को हम गर्म कर रहे हैं उसके अंदर हमने टेस्ट ट्यूब रखी है डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब को गर्म नहीं करना है बिकॉज उसके अंदर एथेनॉल है आग पकड़ लेगा धमाका हो जाएगा आग लग जाएगी ठीक है फायर सेफ्टी इसलिए हमने गर्म पानी के अंदर टेस्ट ट्यूब को रखा है इनडायरेक्टली हीट कर रहे हैं कहानी समझ में आ रही है इतनी अब देखो क्या होगा मजा आएगा जब ये दोनों चीजें रिएक्ट करती हैं एच ओ एच मिलके बनाते हैं पानी क्या बनाते हैं पानी and ये and ये छतरी सी एच टू सी एच थ्री जुड़ जाएंगे आपस में पप्पी होगी उनकी देखो कैसे ठीक है एसिड इज माई कैटलिस्ट एच टू ओ फोर उसको मैंने एरो के ऊपर लिखा है रिएक्शन कंडीशन छतरी कु किसके साथ जुड़ रहा है CH2CH3 के साथ एज इट इज ऐसा जॉइंट हो गया पप्पी हो गए दोनों की एंड ये जो चीज बनी है ये मेरा एस्टर है ये मेरा एस्टर है अच्छा प्लस मुझे बताओ HOH मिलके क्या बन गया था पानी बन गया था तो पानी बाहर आ गया वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया अब मेरी बात गौर से सुनना COO ये मेरा एस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है मैंने पढ़ा था ना COO डैश दोनों तरफ से डैश लगा हुआ रहेगा अच्छा ये मेरा एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है अभी लेसन सी टू सी थ्री इसको हम इथाइल ग्रुप बोलते हैं क्या बोलते हैं इथाइल ग्रुप ध्यान से सुनना इथाइल एंड छतरी को इसको हमने क्या बोला इथेनो एट कमोन सोरनो तो इस जो कंपाउंड बना है एस्टर उसका नाम पड़ेगा इथाइल इथेनोएट इथाइल इथेनोएट इज दिस पार्ट क्लियर यहां तक मजा आया एस्टर बनाया इट अ फ्रूटी स्मेल अच्छा प्लेजेंट सूंघोगे तो मजा आ जाएगा ठीक है एक और बोला है। यहां पे लिखता हूँ बोलते हैं इसमें करते क्या है देखो ध्यान से इथाइल इथेनोइ को फिर से हम नीचे ले रहे हैं छतरी को सी टू सी एच थ्री एथाइल एथेनोएट को फिर से ले रहे हैं उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवा रहे हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको दिख रहा है यहां पे तो क्या बनता है गौर से सुनना पहले तो ये बीच में से टूटेगा जहां पे वो पप्पी हुआ था वहीं पे वो टूट रहा है फिर ये सोडियम फिर यहां ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा ठीक है एंड ये OH जाके इस कार्बन के साथ कंबाइन होगा तो मुझे क्या मिलेगा सबसे पहले छतरी कूना सोडियम ऑक्सीजन के साथ ज्वाइंट हो गया तो छतरी कूना मिला प्लस ये OH, इस कार्बन को जाके लग जाएगा तो फिर से मुझे मैं हट जाती हूं यहां से बहुत ज्यादा दूर चले जाता हूं फिर से मुझे एल्कोहल मिल रहा है कौन सा वाला एथेनॉल जो हमने डाला था वही हमें वापस मिल रहा है दिख रहा है आप लोगों को ओ एच सी एच टू सी एच थ्री कमॉन एथेनॉल वापिस आ गया ठीक है एंड छत्रीकूणा क्या होता है सोडियम एथेनोएट होता है इसी को हम बोलते हैं सोप दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सोप मिल रहा है दिस इज कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर गाइस हट जाऊं मैं दिख रहा है सब लोगों को क्या हुआ यहां पे नॉट एट ऑल डिफिकल्ट ओके ठीक है सो विथ दिस लास्ट रिएक्शन चेहर बहुत परेशान करती है विथ दिस लास्ट रिएक्शन हमारा वन शॉर्ट कार्बन कंपाउंड समाप्त होता है बहुत लंबा लेक्चर हुआ है आई डोंट इवन नो अभी तो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे नहीं पता टोटल लेंथ कितनी है लेकिन करीब करीब है डेढ़ घंटे के तो ऊपर है 1.5x पे देखो 2x पे देखो जहां देखना है देखो टाइम स्टैम्स भी आपको मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन के कौन से पॉइंट पे क्या है एनी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो पचास पचास हजार तो कब के हो गए पांच लाख सब्सक्राइबर करते हैं फटाफट फटाफट पहुंचते हैं वहां तक अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूड्स